ओके ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जो CLI का पार्ट है और बोटो 3 का पार्ट है, CLI का हम लोग कवर करेंगे और बोटो 3 भी एक दो सर्विसेज कवर होने के बाद एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन और एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेकेंड। तो CLI और बोटो 3 का पार्ट ना हम लोग तब कवर करेंगे। एक्सेस रिपोर्ट्स बताई थी मैंने, किसी ने ट्राई किया क्या क्रेडेंशियल रिपोर्ट एटलीस्ट डाउनलोड करके देखने का? नहीं, ठीक है यार, यूजर ही क्रिएट नहीं किया आपने तो क्रेडेंशियल रिपोर्ट क्या ही डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो मैं आपको ना एक क्रेडेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड की है, मैं दिखा देता हूँ। दिख रही है क्या सबको? यस यस यस। सर। तो यहाँ पे ना देखो, इसका ARN है, यूजर कब क्रिएट हुआ है, उसका पासवर्ड, ये सब चीजें दी है। तो इससे ना हम लोग, मैंने कल ही बोला था कि व्हाट सेंस वी कैन मेक, ठीक है। तो उसकी यूजर एक्टिविटी का हम लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्ट हमें तो कभी जनरेट करनी नहीं पड़ती है। चिन्मय, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई यस वॉज इन आवर सेशन, सो ओके कुड यू प्लीज रिपीट अगेन कि आपका क्या कंसर्न है? सर, मैंने इनको बोला था कि लैपटॉप से ज्वाइन करो, और नॉर्मल स्ट्रेंथ इनकी 90 के प्लस होती है, और अब तक हाँ, तो 70 लोग ही थे, अभी थोड़े लोग ज्वाइन हो रहे हैं। देखो मैं एक्चुअल बैच की स्ट्रेंथ अब वो 90 नहीं है हमारी, कुछ लोग मल्टीपल डिवाइस से लॉग इन करते हैं, दैट इज अच्छा देयर, बट अच्छा आप एक काम करो, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, आपको ऐसा लगता है कि किसी को स्क्रीन शेयर करके कुछ पूछना है, तो रैंडमली आप किसी का नाम कॉल करके आप पूछ यस सकते सर, हो, और हमने मान किया सर, लो अभी वो हाफ टाइम। उनके एंड से उसका रिस्पांस नहीं देते, उसका यस एक अलग सा डेटा आपके पास मेंटेन करके रखो, लेट मी टेक रिक्वायर्ड एक्शन ऑन पर्टिकुलर डिफॉल्ट। चेक, ओके श्योर सर, ओके यू कैन कंटिन्यू। ओके ठीक है सर। एंड चिन्मय, एज वी डिस्कस, अगर हम वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल एज मी, और पार्टिसिपेंट के लिए बेटर रहेगा। ठीक है सर, यस यस आई विल बी डूइंग दैट। अभी थोड़ा जी स्टार्ट है तो एकदम ज्यादा बर्डनसम नहीं करना है इनको, तो थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं। तो नहीं, जैसे मुझे ये लोग हमें बर्डन में लाते हैं, तो हम इनको बर्डन में क्यों नहीं लाएंगे? ठीक है सर, ठीक है, आई यांच्या ट्राई मुळे टू सर, कवर। यांच्या मुळे आपला बीपी शुगर लाग होत असेल तर आपण यांची कशाला काळजी करायची? हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर। तो जो चीजें पढ़ाई है ना IIM में वो कवर करो, मतलब ये एक्सेस रिपोर्ट एज आई टोल्ड इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, एज इट इज पार्ट ऑफ द कंसोल, UI का पार्ट है, तो मैंने कवर किया। आपको अवेयरनेस होना चाहिए, किसी को अगर कोई किसी को आपको पूछना है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ टू गेट इनसाइट्स ऑन यूजर एक्टिविटी, तो किसी ने पूछा है तो आपका एटलीस्ट अवेयरनेस होना चाहिए, इसलिए बोला है, तो वो कवर करने का ट्राई करो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ EC2, आर सेकेंड सर्विस, ठीक है। तो आई गो टू दिस पार्ट, ओके। सो EC2 का फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, ठीक है। तो ये एक सर्विस है विच प्रोवाइड्स अस द वर्चुअल मशीन्स। किसी को पता है व्हाट आर वर्चुअल मशीन्स? कोई बता सकता है? किसी को बैकग्राउंड है? नॉट एन इशू, किसी को अगर नहीं पता है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन अगर दे किसी को पता है तो डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर ओके। वर्चुअल प्रेजेंट। वी हैव लिसेंड इट इन द पाइथन दैट टू इंटरप्रेट एंड कंप्यूट द बाइट कोड, ओनली दैट मच इज नोन। ये और कोई जिसने VM यूज किया है? कोई एक्चुअली जब हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं AWS में, यस सो इट मींस द वर्चुअल मशीन्स, इट्स नॉट प्रेजेंट फिजिकली बट इट हैव द एग्जिस्टेंस, मींस वी कैन प्रोसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, बट इट्स नॉट इन फिजिकल मैनर। ओके। तो क्लाउड पे रहता है, राइट? ठीक यस सर। है, वर्चुअल मशीन्स क्या है? आपके जो फिजिकल कंप्यूटर है ना, उसके जो भी फीचर्स, जो भी कंप्यूटेशन पावर है,
जो भी आप परफॉर्म कर सकते हो आपके फिजिकल कंप्यूटर पे, वो ही सेम चीजें आप ये क्लाउड में प्रोविजन मशीन पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन क्या है, क्लाउड में जो भी AWS के पास रिसोर्सेस है, लाइक कौन से रिसोर्सेस लगते हैं एक मशीन में, हमने बताया है पहले भी किया है, कंप्यूट, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्क, किया है हमने ये यस सर, राइट। तो ये जो चीजें है, दो थिंग्स आर प्रोविजन ऑन द क्लाउड इटसेल्फ। क्लाउड मतलब AWS के डेटा सेंटर्स में हमें इंटरनेट से वो सर्विसेज हमारे फिजिकल मशीन पे मिल रही है। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन है जो क्लाउड में इंस्टॉल रहती है, वेयर वी कैन परफॉर्म ऑल आर एक्टिविटीज फ्रॉम आर ओन फिजिकल मशीन। ठीक है, तो हम लोग ना ये चीजें ना एक बार चैट जीपीटी से ही देखते हैं, वो अच्छे से बोल बताता है। ठीक है, तो क्या क्या आता है वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर, हमने यही बोला अभी, क्लाउड के टर्म्स में बोला बस, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर ही है। जो फिजिकल कंप्यूटर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, वर्चुअल मशीन्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड दोस थिंग्स टू यू। दे अलाउ यू टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर और होस्ट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है बताओ, किसी को अगर समझ में आया तो बताओ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो। यस हाँ सर, जब हम एकेडमिक में थे ना तो लिनक्स भी सब्जेक्ट था, तो यस डेस्कटॉप पे तो हम विंडोज इंस्टॉल कर करके रखा था, राइट तो हाँ, तो हमें लिनक्स पे भी उसका प्रैक्टिस करना था, तो वर्चुअल मशीन से हम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे। हाँ एग्जैक्टली, ड्यूअल बूट कर रहे थे आप, यस, ठीक है, या फिर वीएम क्रिएट करके वीएम में यूज कर रहे थे, वीएम में हाँ लॉग इन कर, वीएम राइट। में कर रहे थे। यस हाँ, ड्यूअल बूट मतलब फिजिकल मशीन को दो ऑपरेटिंग सिस्टम में बांटना होता है, वो अगर नहीं करना है, आपके रिसोर्सेस पे बहुत बर्डन आता है, तो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे हाइपरवाइजर्स रहते हैं, हाइपरवाइजर क्या है आपको पता चलेगा बाद में, इसी में आएगा, तो वो प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल मशीन की सर्विसेज। ठीक है, जैसे सबने वीएमवेयर तो सुना ही होगा, हाँ मतलब वीएम मुझे भी वेयर। ज्यादा, हाँ मुझे भी ज्यादा वर्चुअल मशीन्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, जो फिजिकल हम लोग इंस्टॉल करते हैं, क्लाउड बेस्ड ही पता है, लेकिन वीएमवेयर तो सबने सुना होगा कॉलेज में। यस सर, ठीक है, सबने नहीं, ठीक है, जिसने नहीं सुना है नॉट एन इशू, कुछ इतनी यूजफुल चीज नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्या है, दे अलाउ यू टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर और होस्ट कंप्यूटर। अगर मेरी ये मशीन है अभी जो मैं जिससे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो विंडोज बेस्ड है, लेकिन मुझे लिनक्स एनवायरनमेंट चाहिए। अभी जिन्होंने अभी एक्सप्लेन किया है, उन्होंने उनकी यूटिलिटी समझाई समझाई, क्योंकि उनको लिनक्स एनवायरनमेंट की जरूरत थी, उन्होंने वीएम इंस्टॉल किया। तो ठीक है, तो वीएम प्रोवाइड्स यू टू एक्सेस टू मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ सिंगल होस्ट और अ सिंगल फिजिकल सर्वर। ठीक है, इसकी ऐसे जरूरत नहीं है कि वीएम प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन डिफरेंट वीएम्स, ये हमें इतने डेप्थ में जाना नहीं है वीएम के बारे में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ वर्चुअल मशीन क्या है, कि वर्चुअल मशीन जो होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं, हमारी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस पे रहनी चाहिए। तो एक हाइपरवाइजर मैंने बोला है, ठीक है, तो जैसे वीएमवेयर एक प्रोवाइडर है ना वर्चुअल मशीन का, उसको हाइपरवाइजर बोलते हैं। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आप वीएम लॉन्च कर सकते हो। तो हाइपरवाइजर इन AWS इज नॉट पब्लिक, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रहे हैं और हाइपरवाइजर की इंस्टॉलेशन कहाँ पे है और फंक्शनिंग क्या है, उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। ठीक है, तो वी डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो, EC2 इंस्टेंसेस रन ऑन हाइपरवाइजर विच इज अ वर्चुअलाइजेशन लेयर प्रोवाइडेड बाय AWS, द स्पेसिफिक हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी यूज बाय AWS इज नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज। तो हमें इसको जानने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा हाइपरवाइजर है, VMware यूज कर रहे हैं या फिर कोई उनका क्या बोलते हैं, मतलब इन हाउस कुछ है, ये जानने की भी जरूरत नहीं है। हमारे मेन पार्ट क्या है, वर्चुअल हार्डवेयर। ठीक है, वर्चुअल हार्डवेयर में एक कोई मशीन है, फिजिकल मशीन है, उसमें क्या क्या चीजें होती है हमने देखी थी,
जैसे कंप्यूट मतलब सीपीयू, सीपीयू के कितने कोर्स है, रैम होती है, डिस्क होती है, डिस्क मतलब स्टोरेज, और नेटवर्क होता है, राइट। तो ये वर्चुअल मशीन में भी सेम ही चीज है, देखो उसके हार्डवेयर में भी ना सेम ही चीज है। दिख रहा है आपको, वी सीपीयू वर्चुअल सीपीयू रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग पावर अलोकेटेड टू ई सीक्वेंसर, रैम है, डिस्क है, तो और डिस्क में आपको ना ये दिख रहा होगा ईबीएस, ईबीएस वॉल्यूम, तो ये एक कंपोनेंट है ईसी टू इंस्टेंस का, ठीक है। वो चीज हम लोग पढ़ने वाले आगे कि ईबीएस क्या होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर क्या होता है, उसके बारे में अब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या चीजें होती है, इंस्टेंस टाइप्स, इसको भी हम देखने वाले हैं। इंस्टेंस टाइप क्या होते हैं कि विच प्रोवाइड्स, मतलब कुछ प्री कॉन्फिगर्ड क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स है जो हमें कंप्यूट मेमोरी एंड फ्यू इंस्टेंस टाइम ऑल्सो प्रोवाइड स्टोरेज, ठीक है। उसको हम लोग सिलेक्ट करके हमारे वर्चुअल मशीन का कॉन्फिगरेशन सेट कर सकते हैं। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन, ईसी टू इंस्टेंस जो भी हम क्रिएट करेंगे उसमें ओएस भी रहेंगी, वो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जब हम लोग बनाते हैं ना, कॉन्फिग्रेशन करते हैं ईसी टू का, तब हम लोग ओएस भी सिलेक्ट करते हैं। और नेटवर्क तो होता ही है, मतलब हमारे ईसी टू इंस्टेंस को कौन कनेक्ट कर सकता है, किस पोर्ट पे कनेक्ट कर सकता है, या फिर कौन सी ट्रैफिक अलाउ करनी है, कौन सी ट्रैफिक अलाउ नहीं करनी है, तो वो सब चीजें नेटवर्किंग में आती है। स्टोरेज, स्टोरेज तो जैसे हमने ईबीएस वॉल्यूम देखा, ईबीएस वॉल्यूम एक स्टोरेज रहेगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक स्टोरेज ऑप्शन होता है ईसी टू में, इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अभी ये आपको ना ईसी टू इंस्टेंस के कॉम्पोनेंट्स क्या है अभी ये देखना है बस, ठीक है। स्नैपशॉट ऑन एएमआई, स्नैपशॉट्स और एएमआई ये भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस इतना जान लो कि ईसी टू इंस्टेंस आपके फिजिकल कंप्यूटर से कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया क्या किसी को, कोई बोल सकता है इसके बारे में कि मुझे समझ में आया या फिर मुझे नहीं समझ में आया? अगर आप बोलते नहीं हो तो मैं अज्यूम करूंगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है। किसी को भी नहीं समझ में आया, एक भी नहीं है कोई ऐसा, मतलब हमें एटलीस्ट वर्चुअल मशीन के कंपोनेंट तो समझ में आए ना कि वर्चुअल मशीन में क्या होता है। यस सर, हाँ ना, हाँ सॉरी एटलीस्ट एक्नॉलेज करो कुछ, हाँ ना चलेगा, हम लोग रिपीट कर सकते हैं चीजों को, लेकिन अगर एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन कुछ है ही नहीं, फिजिकल मशीन जो है हमने सर्वर देखा है, सारे कंपोनेंट देखे, वही सेम चीजें इसमें भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना आप ऐड कर लो चैट जीपीटी से कि कंपोनेंट्स ऑफ ईएम इन टर्म्स ऑफ ईसी टू, हम लोग देखेंगे ना। जैसे चलो मैं ऐड करके दे देता हूँ आपको क्या होता है इसमें। एक होता है हाइपरवाइजर, और क्या होता है, वर्चुअल हार्डवेयर, इसमें क्या क्या आता है, वीसीपीयू, वीरैम, डिस्क और नेटवर्किंग, ठीक है। ये सब चीजें आती है। और अभी देखा कोई पॉइंट याद आ रहा है, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और कोई पॉइंट बताओ बताओ। स्टोरेज स्नैपशॉट स्टोरेज, स्टोरेज, ये स्टोरेज कौन से थे याद है किसी को? ईबीएस एंड इंस्टेंस स्टोर, ठीक है। और कुछ, और कोई पॉइंट बचा है जैसे, देख लेते हो, ठीक इंस्टेंस टाइप है, इंस्टेंस टाइप, यस एक्जेक्टली इंस्टेंस टाइप, ये देखने वाले हैं हम लोग डिटेल, ठीक है। चलो ठीक है,
बिफोर गोइंग अहेड नो, हम लोग ये एक्सप्लेन करने से पहले ना हम लोग एक इसी टू इंस्टेंस क्रिएट ही करते हैं, सो दैट यू विल गेट अ विजुअल व्यू कहाँ पे क्या चीजें होती है. और जब क्रिएट कर रहे हैं आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में इजी होगा. सो ठीक है, वो देखते हैं हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. जब क्रिएट कर रहे हैं ना, तो देखो ये है EC2 सर्विस आपकी, इसका UI ऐसा है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है. देखो आपको अगर ऑप्शंस ऑब्जर्व करने हैं, यहाँ पे इंस्टेंसेस का ऑप्शन है, इंस्टेंसेस में बहुत सारे और ऑप्शंस है. ठीक है, इमेजेस, इमेजेस भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर इमेजेस, व्हाट आर अमेजॉन मशीन इमेजेस. ठीक है, वो देखेंगे. मैंने अभी स्टोरेज में इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में बोला है, EBS वॉल्यूम, तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर वॉल्यूम वो भी देखेंगे हम लोग. स्नैपशॉट क्या होते हैं देखेंगे. नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जो भी जरूरी चीजें है लाइक सिक्योरिटी ग्रुप्स, की वैल्यू की पेयर्स, ये सब चीजें देखेंगे हम. ठीक है, ये थोड़ी बात की कॉन्सेप्ट से जब आपकी EC2 की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग भी देखेंगे हम. तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है गाइज, अगर आपने ना अपने लैपटॉप से लॉग इन किया है ना, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है ना, तो साथ साथ में किया करो. ऐसा कुछ मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा कि क्योंकि स्क्रीन शेयर किया है और क्या बोलते हैं उससे बाहर जाके क्रिएट करो तो डिफिकल्ट होता होगा. अगर आपको कन्वीनियंट है वो चीज़, तो साथ में हो सकता है तो ट्राई करो कि क्लास में साथ में ही करने का. ठीक है, पॉसिबल है तो. हाँ, क्योंकि थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा क्योंकि स्क्रीन शेयर जो देख देख रहे हो और टैब चेंज करके फिर दूसरे इसमें जाना डिफिकल्ट तो होगा, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन अगर किसी को पॉसिबल हो रहा है तो ट्राई करो. ठीक है, तो हम लोग हमारा पहला EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो नाम देते हैं हम लोग फर्स्ट इंस्टेंस, बहुत जेनरिक नेम है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे नाम दिया हमने. यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस, मतलब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करनी है यहाँ पे. ठीक है, जो हमने कंपोनेंट्स में देखा था वर्चुअल मशीन्स के कंपोनेंट में OS होता है, वो हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं. तो व्हाट आर द ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे. देखो जो अमेजॉन लिनक्स है, मैक OS है, उबंटू है, विंडोज है, रेड हैट है, बहुत सारे ऑप्शन है. ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे सिर्फ वो अमेजॉन मशीन इमेजेस, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो भी आपको टेम्पलेट मिल रहा है ना, उसको अमेजॉन मशीन इमेज बोलते हैं. ठीक है, थीके? तो हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे बाद में. अभी के लिए ये देख लो कि हमें ऐसी AMI चूज करनी है जो फ्री टियर में है. आपको दिख रहा है फ्री टियर एलिजिबल लिख के बाजू में यस दिख यस रहा है, राइट? तो अभी के लिए जब तक आपके पास क्रेडिट्स नहीं आते, तो फ्री टियर एलिजिबल चीजें ही यूज करो. ठीक है, तो मैं फ्री टियर का लिनक्स ले रहा हूँ. इसके इसके यहाँ पे देखो इस डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, आर्किटेक्चर टाइप दिख रहा है, हमें इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो OS हमने सिलेक्ट कर लिया. क्या सिलेक्ट किया हमने, लिनक्स, राइट? अभी आता है ऑप्शन इंस्टेंस टाइप का. तो इंस्टेंस टाइप है क्या, मैंने अभी कुछ बोला था आपको इंस्टेंस टाइप क्या होते हैं, किसी को समझ में आया क्या उतने से, कुछ भी समझ में आया जिसको, किसी को भी कुछ भी, एक लाइन भी? So we can say the type of instance could be देखो how much. इंस्टेंस टाइप क्या होते हैं. यस यस, गो अहेड. So what kind of CPU or what kind of memory we are giving them or what size of storage we एग्जैक्टली, are दीज giving them? आर प्री कन्फिगर्ड टाइप्स दैट AWS प्रोवाइड्स फॉर योर मतलब इज. ठीक है, तो ये जो कॉन्फिग्रेशन है ना, ये प्री कन्फिगर्ड है, तो इसमें ना बहुत सारे इंस्टेंस टाइप आते हैं. ठीक है, और यूटिलिटी के हिसाब से हम लोग वो इंस्टेंस टाइप चूज करते हैं. हम लोग ना इसको देखेंगे कि इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, जैसे जनरल पर्पज है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज होता है, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज होता है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज होता है. विच टाइप ऑफ इंस्टेंसेस, इंस्टेंस टाइप्स कम्स अंडर दैट अम्ब्रेला, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए ना हम लोग ये T2 माइक्रो चूज करते हैं. और यहाँ पे ऑब्जर्व करो T2 माइक्रो में क्या क्या मिल रहा है हमें. फैमिली उसकी दिया है T2. ठीक है,
एक VCPU कोर है, ठीक है, 1 GB मेमोरी है, और क्या दिख रहा है, इसकी कॉस्टिंग दिया है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम एम आई ऑडिबल? यस यस सर, ओके। स्टोरेज दिख रहा है क्या किसी को? बोलो, आपके सामने है यहाँ पे जो भी चीजें हैं वहां पे कहीं पे स्टोरेज है क्या? दैट 1 GB मेमोरी प्राची प्राजक्त प्राजक्ता। सॉरी, हमने मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस पहले बात सॉरी किए सॉरी थे ना? सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज मेमोरी। एक्जैक्टली, यस। वन वी सीपीयू मेमोरी मतलब क्या है प्राजक्ता? रैम, और स्टोरेज स्टोरेज मतलब? मीन्स द स्पेस वेयर वी आर स्टोरिंग दैट हार्ड डिस्क डिस्क, SSD। राइट? डिस्क स्पेस। यस डिस्क एक्जैक्टली, स्पेस। जैसे HDD, SSD वो होती है आपके स्टोरेजेस, यस यस राइट? यस, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ना कहीं पे स्टोरेज नहीं है। तो मैंने जब इसके पहले जब बात कर रहा था, वो चैट जीपीटी पे देख रहे थे हम लोग पॉइंट, तब मैंने बोला था कि नॉट ऑल इंस्टेंस टाइप्स प्रोवाइड स्टोरेज, ठीक है। तो ये इंस्टेंस टाइप में ना स्टोरेज नहीं है, तो हम लोग देखेंगे जब इंस्टेंस टाइप देखेंगे ना, सारे कौन कौन से इंस्टेंस टाइप AWS में अवेलेबल है, वहां पे मैं ना आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा कि किसमें स्टोरेज है और किसमें नहीं है, ठीक है। की पेयर क्या होता है, इसके बाद हमें ना एक की पेयर कॉन्फिगर करना है। तो की पेयर होता क्या है? तो की पेयर ना, आप कोई भी लैपटॉप है आपका, उसमें लॉगिन, मतलब अगर उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है तो उसको कुछ ना कुछ यूजर नेम और पासवर्ड देते हो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिनाइंग द एक्सेस टू अनऑथोराइज पर्सन, राइट? यस यस तो ये की पेयर भी वही चीज है। जो की पेयर ना, अगर आपके लोकल मशीन में है, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो एक्सेस करने के टाइप्स है, वो हम लोग देखेंगे जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। तो अभी ना हमें एग्जिस्टिंग, मेरे पास की पेयर है, लेकिन हम लोग ना की पेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपको कैसे क्रिएट करना है वो पता चले, इसलिए क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप एक की पेयर को नाम दे दो, क्या दे सकते हैं? फर्स्ट की पेयर, चलो। ठीक है, और ये देखो प्राइवेट की फॉर्मेट दिख रहा है, ये तो RSA ही रखो, इनक्रिप्शन क्या रखते हो डजेंट मैटर। ये प्राइवेट की फॉर्मेट है ना, ये दो क्या है, PEM दिख रहा है आपको और PPK दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है फॉर यूज विथ OpenSSH एंड फॉर यूज विथ PuTTY, ठीक है। तो ये जानने से पहले ना मैं एक चीज बोल देता हूँ आपको, हम लोग नोटपैड में वापस जाते हैं। तो वॉट आर द वेज ऑफ कनेक्टिंग टू EC2 इंस्टेंस? दीज आर द थ्री वेज बाई विच यू कैन कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस। अभी हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं, उसको कनेक्ट भी तो करना है किसी वक्त। अभी तो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, राइट, मशीन, उसके बाद उसको कनेक्ट करना है टू परफॉर्म सर्टन एक्शन, राइट, उसको यूज भी करना है। तो वॉट आर द थ्री डिफरेंट वेज? तो एक होता है SSH, सिक्योर शेल, ठीक है। एक होता है PuTTY, ठीक है। ये एक आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें होस्ट नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, सो दैट यू विल बी एबल टू लॉग इन टू दैट मशीन, ठीक है। और थर्ड है EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। ये AWS प्लेटफॉर्म का ही एक शेल है जो AWS प्रोवाइड करता है, यू कैन कनेक्ट टू योर VM फ्रॉम देयर ऑल्सो, ठीक है। तो अभी SSH और PuTTY आपको दो वेज है, ये तो समझ में आ गया। तो इसके लिए ना, SSH के लिए ये प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट PEM होना चाहिए। PEM क्या है? PEM का फुल फॉर्म है प्राइवेट एनकोडिंग कुछ है, प्राइवेसी एनहांस मेल कुछ है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप चेक कर लो PEM का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे कोई पूछता नहीं है, PEM फाइल होती है, प्राइवेसी एनहांस मेल है शायद। और ये PPK फाइल होती है ना, आपको अगर PuTTY से लॉग इन करना है ना, तो ये आप PPK फाइल, मतलब ये सिलेक्ट करके की पेयर डाउनलोड करना है। ये समझ में आया क्या? यस सर, यस
अभी हम लोग ना, मैं आज आपको एसएसएच से और ईसीटू इंस्टेंस कनेक्ट से कैसे ईसीटू इंस्टेंस को कनेक्ट करना है ये बताने वाला हूँ, और पुट्टी से कैसे करना है ये आपको फिगर आउट करना है खुद से, ठीक है? कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको बहुत सारे मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि पुट्टी से कैसे करना है, तो आप ना अपने हैंड से वो करो। हम लोग सारी चीजें, सारे डिफरेंट वेरिएशन सब ले नहीं पाएंगे सेशन में, तो पेम फाइल अभी हम लोग डाउनलोड करते हैं फॉर एसएसएच, राइट? ठीक है, डाउनलोड हो गई है फर्स्ट की पेयर, ठीक है? अभी हमने सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट की पेयर यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ना नेटवर्क सेटिंग है, अभी के लिए ना इतना ज्यादा नेटवर्क सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है हमें, और ये हमारा एज सच काम भी नहीं होता है। वीपीसी क्या है, सबनेट क्या है, नो नीड टू गो इन टू सो मच डेप्थ एज ऑफ नाउ, ठीक है? जब जरूरत पड़ेंगे हमें, हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? तो अभी के लिए सारे डिफॉल्ट ही रखो, डिफॉल्ट सबनेट, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वीपीसी, डिफॉल्ट सबनेट जो भी है, ठीक है? सिक्योरिटी ग्रुप एक कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे थ्योरी में, अभी के लिए मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, अलाउ एसएसएच ट्रैफिक मैंने टिक किया है, मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, क्योंकि हमें ना एसएसएच से लॉगिन करना है, इसलिए ना हम लोग ये पोर्ट को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या है, अभी अगर मैं बोल देता हूँ तो हमारे इंस्टेंस में किसे अलाउ करना है और किसे नहीं करना है, मतलब इनवर्ड ट्रैफिक एंड आउटवर्ड ट्रैफिक, मतलब EC2 इंस्टेंस से बाहर क्या एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, और बाहर से मतलब पब्लिक इंटरनेट से हमें कौन, मतलब हमारे EC2 इंस्टेंस को कौन एक्सेस कर सकता है, इसकी जो भी पॉलिसी या फिर जो भी सेट ऑफ रूल्स है ना, हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो अभी तो ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट कर लेगा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहे थे, देखो अलाउ एसएसएच ट्रैफिक फ्रॉम हियर, तो हमें तो अभी इतनी ही जरूरत है, ठीक है? एक्सटर्नल ट्रैफिक एसएसएच के लिए, सॉरी इंटरनल एसएसएच के लिए हम लोग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? ये है कॉन्फिगर स्टोरेज, देखो सारे इंस्टेंस टाइप इनबिल्ट स्टोरेज देते नहीं है, तो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज कॉन्फिगर करना पड़ता है। तो ये देखो कैसा है, आप कोई भी लैपटॉप लेते हो या फिर डेस्कटॉप ले लो, लैपटॉप में हम लोग इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, ठीक है? लेकिन डेस्कटॉप से जो भी बहुत सारे गेमर्स होंगे अभी जो बहुत गेमिंग करते हैं, ये सब चीजें तो आप लोग कॉन्फिगर करते हो, राइट? स्टोरेजेस कॉन्फिगर करते हो, रैम एक्सपैंड करते हो, ये सब चीजें। तो स्टोरेजेस कॉन्फिगर करते हो मतलब क्या करते हो, आप एक्सटर्नल स्टोरेज अटैच करते हो, राइट? जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज है उसको एक्सटर्नल स्टोरेज और अटैच करते हो, बराबर है ना? यस सर, करेक्ट ना? हाँ, तो ये भी वही है, आपके पास जितना स्टोरेज है, अगर आपने इस EC2 इंस्टेंस में कोई ऐसा चूज किया है एग्जिस्टिंग कि जिसमें स्टोरेज वो प्रोवाइड कर रहा है, इसमें तो नहीं है तो हमें कॉन्फिगर तो करना पड़ेगा, राइट? लेकिन जिसमें अगर होगा भी लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है, तो यू कैन कॉन्फिगर स्टोरेज फ्रॉम हियर। तो ये जनरल पर्पज 3, जनरल पर्पज 2, इसमें ना ये SSD स्टोरेज है जनरल पर्पज, तो इसमें ना इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन से टाइप के स्टोरेजेस EC2 में हम लोग प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन IOPS क्या है, होल्ड HDD क्या है, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज क्या है, ऐसा जितने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत है, मतलब आगे हमें लगता है तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है? अगर इंटरव्यू की जरूरत लगती है तो मैं आपको करा दूंगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, ये बहुत वाइडली अवेलेबल है, सब चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? अगर नहीं जम रहा है तो मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा ये सारी चीजें, या फिर मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके, ठीक है? चलेगा, ठीक है ना? यस तो हम लोग अभी तो SSD GP3 ले रहे हैं, ठीक है? ये 8 GB का कॉन्फिगर कर रहे हैं स्टोरेज। यहाँ पे देखो फ्री टेर एलिजिबल कितना है, 30 GB ऑफ EBS, 30 GB तक आप फ्री टियर में अटैच कर सकते हो, ठीक है? तो लेकिन हमारी ऐसी जरूरत नहीं है, हम बेसिक इंस्टेंस बना रहे तो 8 ही रखते हैं। अभी के लिए एडवांस डिटेल्स छोड़ देते हैं, एक बार ग्लांस कर लेते हैं क्या है उसमें। अगर आपको
ठीक है, ये जो यूजर डेटा का ऑप्शन है ना, ये हम लोग ना बूटस्ट्रैपिंग के लिए करते हैं। तो हम लोग इसके बाद जो भी इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे उसमें ना एक बार बूटस्ट्रैप भी करके देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग एकदम बेसिक इंस्टेंस बनाते हैं। वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ वीएम एंड ट्राई टू कनेक्ट टू इट। ठीक है, तो मैंने लॉन्च इंस्टेंस किया है, तो अभी वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज पुटिंग इट टुगेदर एंड क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। तो हम लोग यहाँ पे जाके इंस्टेंसेस में जाके अभी देख सकते हैं। तो वो प्रोविजन हो रहा है अभी, पेंडिंग स्टेट में। इंस्टेंस टेस्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस सर, पेंडिंग में है अभी, वो प्रोविजन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि AWS को भी तो पुल करना पड़ता है ना रिसोर्सेस अलग जगह से, उसको कंबाइन करके आपको प्रोविजन करके देता है वो। तो उसके लिए ये देखो अभी रनिंग है, तो मेरा अभी इंस्टेंस रनिंग है। तो पहला वे है ना, वो हम लोग देखते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से इस इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है। उसके पहले हम लोग ना EC2 इंस्टेंस में क्या क्या दिखता है हमें वो देख लेते हैं। ये देखो इंस्टेंस आईडी दिखती है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है आपके इंस्टेंस का। ठीक है, इसका पब्लिक IPv4 एड्रेस दिखता है, प्राइवेट IPv4 एड्रेस दिखता है, वैसे ही पब्लिक DNS और प्राइवेट DNS भी दिखता है। ठीक है, तो हम लोग ये पब्लिक DNS यूज करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए EC2 इंस्टेंस को। ठीक है, यहाँ पे देखो होस्ट नेम ये सब चीजें दिख रही है। हमने एक ऑटो असाइन IP करके ऑप्शन क्लिक किया था, इसलिए इसने खुद से एक IP हमें असाइन कर दी है। अगर हमें किसी फिक्स्ड IP की जरूरत है, समझो एक मतलब आपको ना एक EC2 इंस्टेंस पे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो बस, ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी नो वरीज। ठीक है, तो एक अगर आपको एक EC2 इंस्टेंस पे आपको वेबसाइट होस्ट करनी है, राइट, तो आपको एक चेंजिंग IP नहीं चाहिए उसके लिए, एक स्टैटिक IP चाहिए। तो आप लोग ना इलास्टिक IP करके एक ऑप्शन है, वहां पे जाके आप लोग स्टैटिक IP भी परचेस कर सकते हो, लेकिन दैट इज अ पेड वर्जन। उसके लिए आप जितने दिन स्टैटिक IP यूज कर रहे हो ना, वो उसके लिए पेमेंट चार्ज होते रहता है। अभी के लिए हमें वो नहीं करना है, और हमारे एज ए डेटा इंजीनियर ये हमारी यूटिलिटी भी नहीं। ठीक है, हम लोग ये सब चीजें करते नहीं है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, तो अभी ये ध्यान में रख लो कि EC2 इंस्टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोविजनिंग के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंस्टेंस में कभी इशू आता है ना, ठीक है, तब उससे डिबग कैसे करना है, रिवर्स इंजीनियर कैसे करना है, एंड व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ दैट इशू, वो हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। इसीलिए ये सब चीजें प्रोविजनिंग की हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो और एक ऑप्शन मैं बताने चाहता हूँ, यहाँ पे देखो EC2 इंस्टेंस टाइप हमने सिलेक्ट किया था T2 माइक्रो, वो भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे कनेक्ट ऑप्शन है, देखो कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने, देर आर डिफरेंट वेज बाई विच वी कैन कनेक्ट। तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग ना यहाँ पे इससे कनेक्ट करते हैं, इसको क्लिकिंग ऑन कनेक्ट। तो ये ना एक AWS प्रोवाइडेड शेल है, यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो। दिखा आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च हो गई है, हम लोग ये DNS में लॉग्ड इन है अभी। ठीक है, तो अभी जो भी चीजें आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी होंगी वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपकी लिनक्स मशीन है, लिनक्स की कमांड जिसको आते हैं वो लोग यहाँ पे जो भी करना है कर सकते हो। हम लोग ये देखेंगे आगे क्या क्या कर सकते हैं इसमें, अब भी सिर्फ हमें वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कैसे करना है और लॉग इन कैसे करना है इतना ही देखना था, इसके ऊपर हम लोग अब भी कुछ नहीं देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो ये हो गया EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से कनेक्शन, समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर, कोई ऐसा जिसको नहीं यस समझ में, सर, किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई है? एनीवन? मैं फिर से बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। फिर से बताने का मुझे रीजन भी चाहिए, क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, हेलो, यस, हेलो सर, जस्ट आई क्रिएटेड इंस्टेंस एंड चेक इट but it's showing a fail to connect your instance right now.
फेल टू कनेक्ट, कैन यू शेयर योर स्क्रीन, मैं अनशेयर करता हूँ। Yes sir, EC2 instant connect is unable to connect your instance. Ensure your instance network setting are configured correctly to for EC2 instance. ओके अब भी क्लियर रहने दो, अगर आपको खुद से नहीं सॉल्व होता है ना ये इशू, आप फिगर आउट करने का ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो हम लोग कल देखते हैं, ठीक है इसको। अब भी स्क्रीन शेयर करना मतलब हमारा लेक्चर इंटरप्ट होगा, ठीक है। ओके ओके श्योर सर, थैंक यू। सेशन के बाद ट्राई करो और ये एरर चैट जीपीटी पे डाल के देखो, वो क्या सजेस्ट करता है, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आर मिसिंग, और यू वेदर यू हैव क्रिएट, सो वेदर यू हैव डन सम मिस्टेक व्हाइल क्रिएशन, तो वो बताएगा, उसको फिगर आउट करो, अगर नहीं होता है तो वील लुक इनटू इट टुमारो, ठीक है। अभी इंटरप्ट होगा फ्लो, ठीक है। ओके ओके कोई और डाउट प्रोसेस में, कुछ डाउट है क्या? नो सर, नहीं ना, ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक वे हो गया, हमने कवर कर लिया इस इंस्टेंस को कनेक्ट करने का, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने EC2 की पेयर अभी डाउनलोड की थी SSH के लिए कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, सिक्योर मतलब हमारे कमांड लाइन से हम लोग ट्राई करते हैं इसको कनेक्ट करना। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो CMD खोलो, कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, ठीक है। अगर आपकी EC2 की पेयर ना ये वाली डायरेक्टरी में है तो आपको पाथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन प्रोवाइड नेम ऑफ योर की पेयर। लेकिन हमारी की पेयर ना डाउनलोड्स में है, ठीक है, कहाँ पे हमारी डाउनलोड्स में है, तो इसका पाथ अलग है, तो हमें ना पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आई विल कॉपी दिस पाथ, ठीक है, कॉपी एज पाथ, ठीक है। तो इसकी एक कमांड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो पहले आपके रेफरेंस के लिए भी हो जाएगी, SSH-I। किसी को पता है ये लेस देन ग्रेटर देन बीच के बीच में हम लोग लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, पता है किसी को? नहीं बताया क्या? तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है पता है क्या, कि इसके यहाँ पे ना आपको कोई भी डायनामिक चीज डालनी है, मतलब दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट सिंटैक्स, उसके अंदर आपको एक कोई चीज डालनी है, मैं ना मेंशन कर रहा हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं बताए, फॉर्मेट स्ट्रिंग करते हैं ना, स्ट्रिंग में एफ स्ट्रिंग उसमें वेरिएबल डालते हैं, वैसे टाइप का ही कुछ सोच लो इसको, कि हमें यहाँ पे डायनामिक चीज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो हमें ये इंडिकेट करता है कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, यहाँ पे हमें कुछ चीज डालनी है। तो बहुत जगह पे ये आपको यूज होते हुए दिखेगा, इसलिए मैंने बताया आपको। तो SSH-I पाथ पाथ ऑफ की पेयर, उसके बाद ना आपको इसका ये डालना है, हमने वहां से एक सेकेंड ना, SSH क्लाइंट से हमें ना ये मिलता है यूजर, ये देखो कनेक्ट टू योर इंस्टेंस यूजिंग इट्स पब्लिक DNS, मैंने बोला था आपको पब्लिक DNS से हमें EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है। मैंने जब ओवरव्यू दे रहा था मैं इंस्टेंस के टाइप टाइम पे, पब्लिक DNS आने के बाद बोला था कि इस पब्लिक DNS से हम लोग इंस्टेंस को कनेक्ट करते, ठीक है। तो ये पब्लिक DNS हो गया, ये तो बिल्ड करके खुद ही दे रहा है, देखो ये कॉपी करके हम लोग पेस्ट भी कर सकते, लेकिन इसको हमें डिबग करना है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें आपका यूजर @public DNS, ठीक है। अभी के लिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये देखो अभी ना हम लोग ये देखो SSH-I यहाँ पे हमें पाथ डालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटा देते हैं और हमने जो कॉपी किया था फिर से करना पड़ेगा कॉपी पाथ। तो ये हो गया आपका पाथ ऑफ फेम फाइल दैट इज की वैल्यू की पेयर,
इसके बाद होता है आपका एक यूजर नेम है, ec2-user@public-dns। मैं ना आपके नोट्स में भी ऐसे ही लिख देता हूँ, सो दैट ठीक है, user@public-dns। समझ में आ रहा है क्या सबको? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसी बात है तो बताओ, कुछ भी चीज जो नहीं समझ पा रही है अब तो। ठीक है, एग्जाम्पल डाल दिया मैंने यहाँ पे, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ज्यादा बाद में करते हो, वहां से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग? यस, देखो हमने कनेक्ट कर लिया हमारे इसी इंस्टेंस को SSH से। ठीक है, तो ये समझ में आया सिंटैक्स, कमांड समझ में आई SSH-I वाली? बोलो प्लीज। यस, बाकी लोगों को नहीं समझ में आई क्या? यस सर। समझ में आई है ना? यस सर। एक बात बोलता हूं मैं आपको, देर आर ओनली फ्यू पीपल जो एटलीस्ट एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी लोग यार कुछ बोलते ही नहीं हो। अगर अब भी नहीं बोलोगे ना तो कभी नहीं बोल पाओगे, एटलीस्ट थोड़ा तो ट्राई करो बीच बीच में एक्नॉलेज करने का, हा ना हा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया ना तो ना बोल सकते हो, ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन एक्नॉलेज किया करो यार। मतलब ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए सेशन, मतलब देर आर ओनली 4-5 पीपल जो एक्नॉलेज करते हैं या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक आप नहीं बताओगे, ये एटीट्यूड ना आपको मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बोलने का ट्राई करो, 80 लोगों के सामने बोलोगे ना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और इंटरव्यू में तो बात करनी है ना आपको, तो जो आप बोलते वक्त ना स्ट्रक्चरली बोलते हो ना तो उसकी प्रैक्टिस होती है। हम लोग एक एक माइंडसेट बनता है कि कैसे पब्लिक फोरम में बोलना है। जब कंपनी में भी जाओगे ना तो टीम के सामने आपको डेली स्टेटस में स्टेटस जब देना पड़ता है ना तब स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। आप अब भी बोलने की प्रैक्टिस करो, जो भी चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, जो भी कंसर्न है, ट्राई टू स्पीक अप ना, अनम्यूट करके बोलने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट थोड़े लोग तो ज्यादा एक्नॉलेज करो यार, हाँ ना पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी एक्नॉलेज करो, एक्नॉलेज तो करो। वो जो अपने फर्स्ट की पे वाला जो पार्ट कॉपी किया है ना, वो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कॉपी करना। क्या क्या पार्ट पार्ट क्या? हाँ ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, प्लीज। आपको ये कमांड दिख रही है ऊपर SSH-I, ये पाथ है ना, तो मैंने कौन सा पाथ कॉपी किया है बताया क्या, और क्यों किया है? ये देखो मैंने की पेयर आपके सामने ही बनाया था, राइट, फर्स्ट अंडरस्कोर की पेयर, वो मैंने वहां से क्लाउड से डाउनलोड किया है, तो वो मेरे डाउनलोड्स में आ गया है लोकल कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ से आप पाथ कॉपी कर सकते हो। हाँ सॉरी, ये पाथ कॉपी क्यों करना है, इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि ना ये देखो C users admin, हमारी डायरेक्टरी इन शेल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में ये है, तो हमें अगर जब तक एक्सेस नहीं है उस चीज का, या अगर इसी डायरेक्टरी में हमारी की वैल्यू पेयर होगी ना की पेयर, तो हमें ये पाथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग सेम डायरेक्टरी में नहीं है जो की पेयर की डायरेक्टरी है, इसीलिए हमें पाथ देने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर, आई एम हैविंग डाउट। यस, सो कैन वी ओपन द CMD इन द डाउनलोड्स ओनली? और यस वी कैन डू दैट। यस, तो मतलब यस,
क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ सिंपल है, यहाँ पे जाओ सीएमडी टाइप करो, शेल उसमें ओपन हो जाएगा, दिखाता हूँ ये देखो। तो यहाँ पे ना बिना की वैल्यू पेयर डाले भी आपको, मतलब पाथ डाले भी कनेक्ट कर सकते हो आप, तो देखते हैं वो भी। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ मैं अभी के लिए, लेट्स डू दिस। ठीक है, हो गया, क्यों थैंक नहीं यू. डालना पड़ा अभी पाथ? बिकॉज वी आर हैविंग द फर्स्ट की पेयर इन द सेम डायरेक्टरी ओनली. मतलब कैसा है ना, ये फाइल डायरेक्टरी का एक्सेस का इशू है। ठीक है, अगर कोई भी किसी ने लिनक्स देखा है या फिर विंडोज का भी शेल यूज किया है, तो हम वो डायरेक्टरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उस डायरेक्टरी में हो तो उसके पाथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज रेडिली अवेलेबल एट दैट लोकेशन, राइट। जब हम लोग ना एक कमांड इस डायरेक्टरी से फायर कर रहे हैं ना, तो जो भी डिपेंडेंसी है अगर इस डायरेक्टरी में है तो वो डायरेक्टली पिक कर लेता है, लेकिन अगर इसमें नहीं है तो हाउ हाउ इट विल बी एबल टू फाइंड इट ना, कहाँ पे फाइंड करना है उसको पता नहीं है, तो पाथ इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, अभी समझ में आया सबको? यस सर, यस. हमने अल्सो वन मोर यस क्वेश्चन वाज देयर बिफोर व्हेन वी साइंड मींस व्हेन वी कनेक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ द सीएमडी इट वाज आस्किंग फॉर द आर यू कनेक्ट मींस आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट सो हियर इट डिडंट आस्क द मैसेज सो इज देयर एनी डिफरेंस देन. आई एम नॉट श्योर, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि ओके एट ओके सेम, ओके मतलब देखते हैं वो आप, अगर आप, मतलब वो इंपॉर्टेंट है क्या, क्या ना है ना अगर आई पता नहीं? नहीं, ऐसे मतलब मुझे लगा तो इसलिए मैंने जस्ट पूछ नहीं, लिया. टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है, क्योंकि ओके वो ओके एक्चुअल चीज इंपॉर्टेंट नहीं दिखी, इसलिए मैंने ऑब्जर्व भी नहीं किया। ठीक है, ओके ओके अगर आपको कुछ पता चलता है तो क्लास में बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके श्योर श्योर इफ इट इज ऑफ एनी इंपॉर्टेंस ना तो बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, हमने दो कनेक्शन तो किए, मतलब एक ईसी टू इंस्टेंस को, ईसी टू इंस्टेंस कनेक्ट से हमने कनेक्ट करके देखा, वी वर एबल टू डू दैट, और एसएसएच से भी किया हमने। ठीक है, तो मैं ना अभी इसको टर्मिनेट कर ही देता हूँ, जरूरत देखे इसके आगे है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये आपका होमवर्क है, देखो पुट्टी से करना, पुट्टी से कैसे करना है, क्या करना है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को ढूंढने में दिक्कत होती है, आई विल शेयर अ लिंक विद यू। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। ठीक है, एक चैनल है हिंदी में है, ठीक है, जिसको भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, वो टेक्निकल गुप्तगु करके चैनल है, आई थिंक सो, टेक्निकल गुफ्तगू करके चैनल है, उसकी चीजें देख सकते हो। वो थोड़ा ज्यादा मतलब डिटेल में बताता है, बहुत बहुत बड़ी सीरीज है उसकी बेसिक चीजों पे, लेकिन सिलेक्टिवली उसको देख सकते हो आप, टेक्निकल गुफ्तगू। ठीक है, बहुत लोग ना मैंने मतलब मुझे पता चला है कि बहुत लोगों का ना रेफरेंसेस या फिर कहाँ से पढ़ना है ये बहुत मतलब जानना था, तो मैं ना आपको अभी बता ही देता हूँ कि व्हाट आर द गुड रेफरेंसेस। ठीक है, चाहिए क्या? यस इन माय यस ओपिनियन, यस 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 सर, सर यस सर, यस सर। चलेगा। ठीक है, तो पहले तो यूट्यूब, यूट्यूब में ना देर आर फ्यू चैनल्स, एक AWS ट्यूटोरियल्स करके चैनल है, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है उसके, लेकिन कंटेंट अच्छा है, तो प्लेलिस्ट में जाके ना आप लोग आपकी यूटिलिटी के हिसाब से जो भी चीजें है वो देख सकते हो। और वो चैनल ना सिर्फ हमारे रिलेटेड चीजें ही नहीं है उसमें, बहुत सारी चीजें, अगर कुछ रिलेटेड चीज आपको देखने का होगा तो आप वहां से देख सकते हो। और एक चैनल है, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, नॉलेज एम्पलीफायर करके, नॉलेज एम्पलीफायर, ठीक है, नॉलेज एम्पलीफायर करके चैनल है, ये आपको लेटर पार्ट ऑफ द सर्विसेज जो भी है ना, जैसे ग्लू है, EMR है,
रेडशिफ्ट है उसके एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स और एंड टू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अच्छा जाना चाहिए, काफी अच्छा जाना चाहिए। मतलब ये बहुत ज्यादा इजियर वे में गुड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो और कौन सा चैनल है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे याद करने दो बस, क्या इसको जस्ट अ सेकेंड ना। यस, नॉलेज एम्पलीफायर है एक, मैं ना आप पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, मुझे जब याद आएगा। ये दो चैनल तो है मुझे जो, हाँ एक है जॉनी शिवर्स करके, एक जॉनी शिवर्स करके है, इसका भी कंटेंट अच्छा है, काफी अच्छा है। ठीक है, जॉनी शिवर्स करके चैनल है, लेकिन ये इंग्लिश में है पूरा, और थोड़ा सा आई थिंक उसका यूके एक्सेंट है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए, इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। ठीक है, तो वो एकदम बेसिक नॉलेज को ध्यान में रख के नहीं बताता है। ठीक है, तो आपको अगर ये कंफर्टेबल लगता है, ये चैनल अच्छा है, काफी कंटेंट अच्छा है उसका, तो ये आप यूज देख सकते हो, एटलीस्ट ट्राई इट आउट फॉर वन वीडियो। ठीक है, अगर नहीं जम रहा है तो बाकी है ही है, नॉलेज एम्पलीफायर अच्छे चैनल है, AWS ट्यूटोरियल में एंड टू एंड चीजें बहुत है। और क्या है डिफरेंसेस में, AWS का डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो गुड गाइड। सिलेक्टिव, अगर किसी को ना सिलेक्टिव यूज करना है तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी गुड गाइड। हमारे टॉपिक के रिलेटेड चीजें ना डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लिया करो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है पता है क्या डॉक्यूमेंटेशन का, कि आप ना एक क्या बोलते हैं, ब्लैक होल में घुस जाओगे ना, तो आप कहाँ जा रहे हो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा आपको सिलेक्टिवली रीड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन कॉशन है कि रीड इट ऑन योर ओन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि जो चीजें जरूरी है उतनी ही समझ के वहां से पढ़नी है, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो कभी भी अच्छी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ता है उसको। ठीक है, तो एक हो गया सोर्स। मैं ना इससे बेटर है, मैं आपको ना थोड़ा याद करके थोड़ा मैं चेक करके मैंने क्या क्या यूज किया था। एक चैट जीपीटी तो, अरे चैट जीपीटी तो सोर्स ही भूल गया मैं, ये तो सबसे बड़ा सोर्स है आपका। चैट जीपीटी से सवाल पूछो, जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ले लो, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रेहेंडिंग ना, चैट जीपीटी के अलावा एक भी चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चैट जीपीटी बहुत अच्छे से बताता है। ठीक है, तो एक चैट जीपीटी भी गुड रेफरेंस है, और बाकी की चीजें ना मुझे जब याद आएगी तब आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ये ना ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, बाद में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है सच। ठीक है, हम लोग कहाँ थे, एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस यस सर। ठीक है, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया इसी टू इंस्टेंस क्रिएट करने का, वी हैव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू कनेक्ट इट विथ यूजिंग एस एस एच एंड ईसी टू इंस्टेंस कनेक्ट। पुट्टी आपको खुद से करना है। ठीक है, इतना हो जाएगा खुद से? यस यस सर, यस सर, यस सर, सर। मैं ना कल चेक करने वाला हूँ, याद रखो बस। आज के आज करना है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर टू 1 आवर, इतना तो टाइम तो निकालना ही है आपको। ठीक है, तो ईसी टू, चलो हम लोग ना इसको रिकैप करते हैं। हमने
क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगरेशन में डालिए। पहले तो क्या डाला था हमने, वन सबसे पहले उसके नेम डाला था, वो छोड़ देते हैं। बाद में डाला था हमने ओएस और एएमआई, ठीक है। सेकंड क्या डाला था, इंस्टेंस टाइप, राइट। थर्ड क्या डाला था, किसी को याद है? की पेयर, यस, किसी को याद है की पेयर क्या डाला था, बोलो। की पेयर, की पेयर डाली थी, राइट, यस। फोर्थ बोलो, फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट तो की पेयर जनरेट करते टाइम डाला था, राइट, बराबर है ना? वो इसी में कॉन्फ़िगरेशन में की पेयर में आ गए। क्या डाल, डीएनएस पाथ, यू आर नॉट ऑडिबल, बोलो बोलो, डीएनएस, डीएनएस पाथ कहाँ पे डाला था? नहीं, मैं बोल रहा हूँ EC2 configuration option, जब हम लोग instance create कर रहे थे, not while connecting, ठीक है? Create security group, security group डाला था, right? Yes, good. Security group मैंने बोला था कि it is like a firewall, ठीक है? और क्या डाला था बोलो? Configure storage. Yes, exactly. Configure storage मतलब क्या है? उसमें क्या क्या अटैच करते हैं हम लोग? Storage. हाँ, storage, of course. लेकिन वो EBS सुना है ना आपने? Elastic Block Store. Free tier में 30 GB तक का free है, हमने देखा था वहां पे EBS, right? 6 point क्या है, और कुछ मिसिंग? हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहां पे, नेटवर्किंग, यस, नेटवर्किंग, राइट। तो हमने अभी के लिए तो डिफॉल्ट लिया था, ठीक है। वो सिक्योरिटी ग्रुप उसी में था क्या, किसी को याद है? सर, इसमें था, नेटवर्किंग में था सिक्योरिटी ग्रुप, यस, राइट, ठीक है, ठीक है। ये VPC सबनेट, ये जब चीजें है ना, ये इसको नेटवर्किंग में डालते हैं आपको, ठीक है। एक मैं ना आपको एक्स्ट्रा वर्क दूं क्या? यस सर, यस। मैं एक आपको ना नेटवर्किंग का वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। टेक्निकल गुफ्तगू का ही है शायद, वो वीपीसी के बारे में सारी चीजें पढ़ा रहे। वी आर नॉट गोइंग टू कवर वीपीसी इन आर क्लास। अगर आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग करनी है नेटवर्किंग की, तो आप ना वो वीडियो देखो, मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर नहीं शेयर किया ना, तो मुझे रिमाइंड करो ग्रुप पे, ठीक है। मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा आपको लेक्चर खत्म होने के बाद। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वीपीसी कवर करना है। वी कैन नॉट कवर ऑल दी सर्विसेज इन द क्लास, क्योंकि वो आपके कोर सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो आप वीपीसी आप खुद से फिगर आउट कर सकते हो। उसके बारे में कोई भी चीजें होंगी तो मुझे मतलब एटलीस्ट ग्रुप पे पूछ लेना, नॉट एन इशू, लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। आई विल शेयर द वीडियो, ठीक है। तो ये वीपीसी सबनेट वगैरह जो चीजें है ना, उसमें आ जाती है नेटवर्किंग। एक्सक्यूज मी, तो और कोई चीज बची है? कुछ हो गया ना, इतना ही था ना, इतना ही था, ठीक है। छह ही चीजें थी, हमने एडवांस ऑप्शन नहीं लिया था जहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग का ऑप्शन वगैरह है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने अभी इंस्टेंस टाइप्स वगैरह हमने अटैच किया एक इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस क्या बोलते हैं, इंस्टेंस टाइप अटैच किया था ना हमने, T2 माइक्रो। तो वो इंस्टेंस टाइप्स क्या होते हैं, हमने अभी इसके पहले भी बात की है कि प्री कॉन्फिगर्ड कॉम्प्यूट और मेमोरी और स्टोरेज का एक टेम्पलेट है, विच यू कैन अटैच
टू योर ईसी टू इंस्टेंस वाइल क्रिएटिंग योर वर्चुअल मशीन, बराबर। ये ईसी टू इंस्टेंस टाइप्स यही होता है, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन है, हम लोग ना पहले AWS के यहाँ पे हम लोग ईसी टू इंस्टेंस टाइप देखते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो AWS कितने सारे इंस्टेंस टाइप प्रोवाइड करता है। देखो हम यहाँ पे देखो टी सीरीज दिख रही है आपको सारी, टी 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 वन माइक्रो टी टू नैनो ये सब दिख रहा है, टी सीरीज है ये। बाद में दिख रहा है आपको ए सीरीज दिख रहा है, यहाँ पे सी सीरीज दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अगर इसको डिकोड करना है ना कि ये टी क्या है, ये वन क्या है, ये माइक्रो क्या है, तो आपको बताता हूं मैं, ठीक है। टी जो है ना वो आपका इंस्टेंस का क्लास है, लिख लो अगर लिखना है आपको। फाइव जो है ना वो आपका जनरेशन है, मतलब वो क्लास का कौन से जनरेशन का वर्जन है, मतलब क्या बोलते हैं व्हाट इज द जनरेशन ऑफ दैट इंस्टेंस टाइप, वो है। मतलब जनरली हम लोग आपके प्रोसेसर का जनरेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। जो हायर वर्जन ऑफ जनरेशन होता है वो मोर एडवांस जनरेशन, मतलब एडवांस प्रोसेसर होता है, राइट। i3, i5, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये चीजें तो सुनी है हमने। हाँ या ना बोल दो बस। यस, ठीक है। तो वो जनरेशन है आपके इंस्टेंस टाइप का। और आखिरी चीज है कौन सा साइज है वो, आइदर माइक्रो नैनो और ये T2 सेकंड वर्जन का माइक्रो, ये आपका इंस्टेंस का साइज है। साइज मतलब कितने क्या मेमोरी है और उसका, हाँ मतलब वो मेमोरी डिटरमाइन करता है मोस्टली, ठीक है, मेमोरी और VCPU कोर्स, ठीक है। तो ये उसका हो गया नेमिंग कन्वेंशन। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा ये अलग अलग इंस्टेंस क्लासेस है, सी है आगे आएगा, और एक देखते हैं हम लोग आगे थर्ड में दिख रहे हैं, एक जी दिखाया आपको, बहुत सारे है ऐसे, ठीक है, आई आया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड इंस्टेंस टाइप्स AWS ने प्रोवाइड किए हैं। अकॉर्डिंग टू आर ओन नीड हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। तो वो नीड क्या होती है वो हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे, कौन सी चीज के लिए कौन सा इंस्टेंस टाइप जनरली प्रेफरेबल है। तो एम सीरीज आ गई है यहाँ पे, देखो आगे देखते हैं और एम एम में बहुत सारे वर्जन है। आर सीरीज आ गई है, आर मेरे कंपनी में ना आर सीरीज के इंस्टेंसेस यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं आपको बताऊंगा मैं, हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मेरे इसमें ना R4 8X लार्ज की 6 कोर्स है, तो नहीं R4 16X लार्ज है शायद, हाँ तो 16 कोर्स की मशीन है, उसकी रैम 488 GB तक की है एक कोर की, ठीक है। तो बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशन यूज होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटिंग नीड्स, ठीक है। ये देखो आर सीरीज और बहुत सारी सीरीज है, देखो एक्स सीरीज है, फिर से टी सीरीज आ गई है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे प्री कॉन्फिगर्ड इंस्टेंस टाइप्स AWS प्रोवाइड करता है। तो ये इंस्टेंस टाइप का क्या क्लासिफिकेशन होगा, कौन सा इंस्टेंस टाइप हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ये लोग ये चीज समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंस्टेंस टाइप्स आर क्लासिफाइड इनटू दीज मेन 4 थिंग्स। इसके अलावा भी हर एक अपनी मर्जी से और कुछ क्लासिफिकेशन कर देता है, लेकिन दीज आर द मेन 4 क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जनरल पर्पज में क्या है, जनरल पर्पज में कौन कौन से इंस्टेंस क्लासेस आते हैं बता देता हूँ। टी और एम सीरीज है ना वो जनरल पर्पज में आती है। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पज, जनरल पर्पज का मतलब क्या है, जनरल पर्पज मतलब कि जिसमें बैलेंस बिटवीन कंप्यूट मेमोरी और नेटवर्किंग रिसोर्सेस है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंस टाइप्स बहुत ज्यादा कंप्यूट प्रोवाइड करते हैं और लेसर मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, और नेटवर्किंग की जो स्पेसिफिकेशन है या फिर क्या बोल सकते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से वो बहुत कम लेवल का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्टेबल और बैलेंस्ड जो भी फीचर्स है आपको प्रोवाइड करते हैं जनरल पर्पज। तो आपकी बेसिक नीड्स के लिए ना
जनरल पर्पस कभी भी बेस्ट है। तो बैलेंस बिटवीन कंप्यूट मेमोरी एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेस, राइट। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, किस चीजों में यूटिलिटी है? जैसे बहुत सारे वेब सर्वर्स है जहाँ पे कंप्यूट की भी जरूरत होती है, मेमोरी की भी जरूरत होती है, उसके बैलेंस की जरूरत होती है। तो वेब सर्वर्स जो है ना, ऐसे टाइप के इंस्टेंसेस पे लॉन्च होते हैं, या फिर कोड रेपोज जैसे गिटहब ये वगैरह। आपके जो है, अगर कोई इन हाउस वर्जन कंट्रोल टूल है आपका, या फिर कोड रिपोजिटरी है, तो बहुत सारे लोग ये टाइप का इंस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है सर, सिर्फ ये थ्योरेटिकल चीज है, ज्यादा ड्वेल मत करो इसमें। ठीक है, मुझे भी इतना पता नहीं है कि जनरल पर्पस वेब सर्वर में क्यों यूज होता है, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वेब सर्वर में यूज होने का। वेब क्योंकि हम वेब सर्वर को देखते नहीं है, राइट, हमारा वो डोमेन ही नहीं, तो हमें वेब सर्वर की नीड्स पता होने की ऐसे जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अवेयर कि इसके अलग अलग एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज क्या है? कंप्यूट ऑप्टिमाइज में कौन कौन से इंस्टेंस क्लासेस आते हैं? वो आता है सी क्लास, ई सीरीज। तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज क्या हो सकता है, किसी को कोई नाम से कुछ दिमाग लगा सकता है कि किस चीज के लिए हम लोग कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप यूज कर सकते हैं? कोई भी, इज हैविंग अ हाई कंप्यूटेशनल पावर लाइक दैट. हाँ, मतलब जो कंप्यूट इंटेंसिव टास्क है, अगर हमारे EC2 इंस्टेंस पे अगर वो कंप्यूट इंटेंसिव टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हम लोग कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। बराबर है, यस. यस। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूट इंटेंसिव टास्क, ठीक है, विच रिक्वायर्स, क्या बोला था आपने, विच रिक्वायर्स हाई प्रोसेसिंग नीड्स ना, Yes, high computational power. यस, हाई हाई प्रोसेसिंग नीड्स, हाई कंप्यूटेशन पावर, वॉट एवर। ठीक है, तो कंप्यूट राइट, ये हो गया हमारा मतलब। और इसके यूज केसेस क्या है पता है क्या? ये हमारे रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है, ये इसके, चलो मैं यहाँ पे यूज केस लिख देता हूँ। बैच प्रोसेसिंग है ना, आपने किसी ने सुना है इसको, बैच प्रोसेसिंग क्या है? हाँ, हाँ तो बताओ मुझे क्या होती है बैच प्रोसेसिंग। फर्स्टली वी कलेक्ट ऑल द डेटा एंड देन वी प्रोसेस इट. वी व्हाट डज वेट. दैट एंड सॉरी, मीन, व्हाट डज दैट मीन? मुझे आपके एक्सप्लेनेशन से एक्स्ट्रा इनसाइट्स कुछ मिले नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो खुद को? यस, फर्स्टली वी नीड टू वेट फॉर द एंटायर डेटा हैज रिसीव देन. And once the data we receives, then we start the processing the data. Means all amount of data, once all amount of data is received. तो सारा डेटा आने की आने का वेट करते हैं क्या हम लोग बैच Yes. प्रोसेसिंग Yes. In batches में डेटा आता है यहाँ पे, ग्रुपेस Yes, में. sir. तो Yes, sir. सारा डेटा आने का वेट क्यों करते हैं हम लोग फिर? सारे डिफरेंट यार मेरे नेटवर्क में इशू है या जो बोल रहा है उनके नेटवर्क में इशू है, एक बार कंफर्म करो मुझे। नो सर, योर नेटवर्क इज क्लियर. इट इज समथिंग तो उनके अबाउट ही है ना? हाँ ठीक है, तो आप अपना नेटवर्क स्टेबल करो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू रिपीट योरसेल्फ? यस, अभी जो बोल रहे थे, हाँ बोलो।
हाँ लेकिन बहुत मतलब एज सच क्लियर नहीं आ रही है. बोल बोलो बोलो, समझ में आता है तो देखें. नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, किसी और को समझ में आ रहा है कुछ? नो सर, है नो, ना? ठीक है चलो, ओके. और कोई बोलो. नहीं मुझे मैं कहाँ था यार, मेरा चेन ऑफ थॉट टूट गया अभी. बैच प्रोसेसिंग वर्कलोड, राइट? ठीक है, यस तो सर, यस. बैच प्रोसेसिंग मतलब आपने जब एक्सप्लेन किया ना, आपने बोला कि पूरा डेटा आता है उसके बाद हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं. हाउ डज दैट एक्सप्लेन बैच प्रोसेसिंग? इट डजेंट एक्सप्लेन, राइट? पूरा डेटा आने को हम लोग ना फुल लोड बोलते हैं. पूरा डेटा क्यों लाना है आपको? आप डेटा जो भी सोर्स है वहां से ही बैचेस में फेच करते हो. ठीक है, तो फ्यू बैचेस एट अ टाइम जब फेच करते हो, वो एक एक बैच को आप प्रोसेस करते हो और अपने डेस्टिनेशन पे लोड करते हो, तो पूरा डेटा आने का वेट नहीं करते हो. ठीक है, आपको ओके, यस. इंक्रीमेंटल लोड भी आता है, वो फुल डेटा नहीं होता है, राइट? फुल यस लोड नहीं होता है, यस इंक्रीमेंटल यस मतलब आज का डेटा आ रहा है, राइट? यस और उसका इंटरवल कुछ भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है. जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक टेबल के लिए फ्रीक्वेंसी अलग है. कोई टेबल 4 घंटे में मतलब कोई बैचेस रन करता है, कोई टेबल के लिए जो डायमेंशन टेबल्स है उसके लिए 4 घंटे, फैक्ट टेबल्स ज्यादा डेटा होता है इसलिए 2-2 घंटे में अपडेट होते हैं, तो 2-2 घंटे में उसकी बैचेस रन होती है. ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग मतलब आपको बैचेस में प्रोसेसिंग करनी है. तो ये जो काम है ना, ये कंप्यूट इंटेंसिव होता है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन दोज बैचेस. ठीक है, तो वो रिकॉर्ड पे जो जितने प्रोसेसेस लगा रहे हो ना, उसको कंप्यूट बोलते हैं, राइट? जो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशंस इंटेंसिव है, विच रिक्वायर्स मोर कोर्स. कोर्स क्यों लगते हैं हमें बताओ, बताओ. प्रोसेसिंग स्पार्क पढ़ा है आपने? और एटर परसेंट नंबर ऑफ टास्क दैट वी कैन परफॉर्म ईच पर. एग्जैक्टली, टास्क, यस, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट, टास्क और पार्टीशंस भी, राइट? ईच कोर मतलब एक पार्टीशन, बराबर? यस. यस एग्जैक्टली, मतलब एक टास्क, एक पार्टीशन, एक कोर. ठीक है, तो जितने ज्यादा कोर्स है ना आपके पास, उतने ज्यादा टास्क आप पैरेलली परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है, राइट? एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. ठीक है, तो अगर आपके बैच प्रोसेसिंग नीड्स बहुत ज्यादा कंप्यूट इंटेंसिव है, बाय दैट व्हाट आई मीन इज बहुत सारे बैचेस ऑल टुगेदर आ रहे हैं, दैट इज 1 पॉइंट, और उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, दैट इज 2nd पॉइंट, और आपके पास टाइम का भी कंस्टेंट है, दैट इज 3rd पॉइंट. ये तीनों चीजें मिला के अगर आपकी प्रोसेसिंग नीड्स है, तो आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप यूज कर दो आप. ठीक है, तो ये चीजें आपको, मुझे लगता है कि आनी चाहिए. आप खुद से फिगर आउट करो, आपने स्पार्क पढ़ा है. ठीक है, ठीक है, ये एक हो गया बैच प्रोसेसिंग नीड. और साइंटिफिक मॉडलिंग और एमएल में बिना कंप्यूट इंटेंसिव ये यूज होते हैं, क्योंकि उनका भी ना जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा कंप्यूट इंटेंसिव होते हैं. ठीक है, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है. हमने बैच प्रोसेसिंग की चीज डिटेल में ली क्योंकि हमारे रिलेटेड है, ये हम पढ़ने वाले हैं नहीं, तो हमें इसकी ज्यादा जरूरत मतलब ज्यादा जानकारी है भी नहीं, और हम लोग को जरूरत भी नहीं है. ठीक है, तो व्हाट इज द थर्ड क्लासिफिकेशन? मैं लिखा है शायद पीछे, थर्ड क्लासिफिकेशन इज मेमोरी ऑप्टिमाइज. ठीक है, हेलो, कैन एनीवन टेल मेमोरी ऑप्टिमाइज कौन से सिनारियो में यूज होगा? यस. कंप्यूट ऑप्टिमाइज इज यूज फॉर द कंप्यूट इंटेंसिव, सो मेमोरी ऑप्टिमाइज विल बी यूज फॉर द मेमोरी इंटेंसिव टास्क. यस, वो मतलब देखो वो तो बहुत ऑब्वियस हो गया, राइट? मतलब मुझे ये चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी ऑप्टिमाइज टास्क? लाइक रैम कंट्रोल, कैशिंग, एसएसडी, एचएस,
HDD like that. यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको अभी भी स्टोरेज और मेमोरी में कंफ्यूजन है क्या? रैम रैम सर वो तो रैम रैम कैशिंग टाइम सॉरी सर सॉरी हाँ ना यार, एक बार क्लैरिटी ला हुआ मतलब ठीक है, ये कंफ्यूजन होना बहुत ऑब्वियस चीज है, आई एम नॉट सेइंग कि कंफ्यूजन क्यों है आपको, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये आप ज्यादा दिन साथ में लेके जा नहीं सकते हो, ठीक है? तो मेमोरी और स्टोरेज में जो कंफ्यूजन है अभी जो बोल रहे थे वो क्लैरिफाई कर दो, अगर नहीं क्लैरिफाई हो रहा है बताओ क्या मैं अभी क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5-6 बार रिपीट कर दिया है क्लास में, नो नो सर सर सॉरी नहीं ना? सर हाँ नहीं मतलब थोड़ा यस आपके लिए अच्छा होगा वो, ठीक है? सर मेमोरी मतलब रैम, स्टोरेज स्टोर मतलब डिस्क स्पेस, ठीक है? यस डिस्क या ठीक है HDD और SSD, SSD बोल रहे थे ना, वो होता है स्टोरेज, दैट इज डिस्क, ठीक है? चलो तो मेमोरी ऑप्टिमाइज किसी ने बताया नहीं कि कौन से वर्कलोड को सादा मतलब ऑप्टिमाइज रैम की जरूरत होती है, मतलब हाई एंड रैम की जरूरत होती है, ये मेरा सवाल था, कौन से टाइप के वर्कलोड्स को, ठीक है? जैसे हमने देखा कंप्यूट ऑप्टिमाइज बैच प्रोसेसिंग वर्कलोड, ठीक है? तो जो चीजें है ना जिसमें कैशे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे या फिर आपका बहुत ज्यादा डेटा टुगेदर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? तो अगर बहुत ज्यादा डेटा एक टाइम पे मतलब प्रोसेस हो रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें आपको कैशे करनी पड़ती है, राइट? या फिर क्या बोल सकते हो आप, एक एग्जाम्पल सोचने दो मुझे सर, इन मोबाइल फोन वी कैन ऑपरेट मल्टीपल टास्क एट टाइम, इट लाइक रियल टाइम प्रोसेसिंग, सो दैट वी डू फॉर लाइक स्टॉक मार्केट डेटा एंड ऑल. यस यू कैन से दैट, यू कैन से दैट, दैट इज द लार्ज सेट ऑफ डेटा दैट यू मतलब स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए बोल सकते हो, राइट? या गुड एग्जांपल, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर वर्कलोड्स All the operations should work properly without interfering to each other and with proper speed. Can you repeat yourself? Yes, multiple operations can be processed together simultaneously without interfering to each other with proper speed. आप parallel processing के बारे में बात कर रहे हो क्या? No, 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 sir. No, sir. मीन्स अगर बहुत सारा डेटा है तो वो भी अच्छे से प्रोसेस होना चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और इफ यू आर ठीक है मतलब वही है ना, इन मेमोरी स्पार्क में इन मेमोरी प्रोसेसिंग ये है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रोसेसिंग, मतलब वही बोल रहे हो आप, राइट? यस सर, ठीक है, राइट, करेक्ट. यूज केस क्या है, अभी किसी ने बोला स्ट्रीमिंग डेटा के लिए ये यूज केस हो सकता है, राइट? तो हम लोग लिखते हैं रियल टाइम, गुड एग्जांपल, डेटा लाइक स्टॉक मार्केट का अगर कोई प्रोसेसिंग डेटा है, ठीक है? तो ये एक यूज केस हो गया. अभी आते हैं हम लोग स्टोरेज ऑप्टिमाइज पे, दैट इज वन क्लासिफिकेशन. बोलो स्टोरेज ऑप्टिमाइज क्या हो सकता है, अभी ये तो आना चाहिए यार, ये आपने ना हडूप इकोसिस्टम पढ़ी है तो आपको ना ये आना चाहिए, मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड है, बाकी ठीक है. बाकी वी नीड टू मैनेज द डिस्क स्पेस, हाँ बोलो और सर, कल आपने एग्जांपल दिया था वो लॉक फाइल का, दैट लॉक फाइल कंज्यूम्स मेरी मोर स्टोरेज एरिया, सो यस दैट कैन बी एग्जांपल फॉर मींस यूज केस फॉर द स्टोरेज ऑप्टिमाइज फॉर लॉक प्रोसेसिंग. लॉक प्रोसेसिंग, ओके, लेट मी वी कैन यूज इट फॉर हिस्टोरिकल डेटा और आर्काइवल डेटा, लाइक डेटा वेयरहाउसिंग एज ही सेड फॉर हिस्टोरिकल डेटा. यस बराबर, एक होता है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने बोला ना हिस्टोरिकल डेटा और आर्काइवल डेटा,
दैट इज एब्सोल्युटली राइट. मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या डेटा वेयरहाउसिंग एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इसको? यस 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 सर यस एग्जैक्टली. ये यूज केस हो गया ना. एक डेटा वेयर हाउसिंग और क्या हो सकता है बोलो? फॉर बिग डेटा. हाँ हाँ बोलो, आप राइट ट्रैक पे हो, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए फॉर बिग डेटा. हाउ तो रिस्क बिग डेटा रिक्वायर्स में हाई. आप एक देखो, मैं आपको एक डायरेक्शन देता हूं इसमें आप, कि ये बोल रहा है स्टोरेज ऑप्टिमाइज, मीन्स इट इज रिलेटेड टू डिस्क. आपको एप्लीकेशन भी डिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग का देना पड़ेगा राइट? यस सर. जहां पे डिस्क में क्या होता होगा? एक्सेस लॉट डाटा ऑन लोकल स्टोरेज. सॉरी सर, एचडीएफएस इज इट फाइन? सर, एक्सेस लॉट डाटा ऑन लोकल स्टोरेज. देखो सिंपल है, बहुत ज्यादा डिस्क रीड राइट ऑपरेशन होंगे तब भी आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज इसकी जरूरत पड़ेगी ना. स्टोरेज ऑप्टिमाइज डज नॉट मीन कि वो स्टोरेज स्पेसिफिकेशन जो होते हैं ना डिस्क के, तो वो ज्यादा हाई एंड के होते हैं, तो आपको रीड राइट ऑपरेशन मतलब जो आई ओवरहेड है ना वो कम होता है. ठीक है, ये आपने पढ़ा है हडूप इकोसिस्टम में. आपको पता है क्या मैप रिड्यूस और एचडीएफएस? एचडीएफएस एंड मैप रिड्यूस. यस 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 यू कैन से दैट. एचडीएफएस तो स्पार्क में भी होता है. ठीक है, तो ऐसा मतलब बोल सकते हो आप एचडीएफएस, लेकिन इन व्हाट सेंस? इन एचडीएफएस इन व्हाट सेंस? आई वांटेड दैट कि फॉर एचडीएफएस यू विल कॉन्फिगर स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस टाइप. ठीक है, एक्सक्यूज मी, लेकिन क्यों 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 कर रहे हो वो मुझे जानना था. कि आपको जब आईओ ओवरहेड कम करना है ना, तब बेटर कॉन्फिगरेशन के इंस्टेंस टाइप चाहिए विच आर स्टोरेज ऑप्टिमाइज. मीन्स जिस लाइक देखो, आप अगर HDD यूज कर रहे हो और SSD यूज कर रहे हो, देर विल बी अ मेजर डिफरेंस रीड राइट में. एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. यस सर. तो फास्ट क्या है HDD और SSD में? SSDs आर फास्टर देन द हार्ड डिस्क राइट? व्हाट डू यू मीन बाय फास्टर? Because hard disk is a physical device. तो SSD भी तो physical device है. SSD क्या है? But it has physical elements more, and yeah, SSD has electronic parts. IO operations are faster. Exactly, exactly. मतलब आपके जो electronic component है, वो ज़्यादा sophisticated और ज़्यादा क्या बोलते हैं high end configuration के है, right? तो इसीलिए आपके IO operation उससे fast हो रहे. तो आपको अभी अभी समझ में आया क्या मैंने जब HDD और SSD का एग्जांपल दिया? तो व्हाट इज द मोर स्टोरेज ऑप्टिमाइज? अगर एक एक्स है जिसमें HDD है डिस्क, और एक वाई इंस्टेंस टाइप है जिसमें SSD है, तो ज्यादा स्टोरेज ऑप्टिमाइज कौन सा हो गया इसमें? SSD. एग्जैक्टली. वो मतलब ये इसमें ना ये चीज मैं समझाना चाहता था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज ऑप्टिमाइज, कि आपके स्टोरेज की जो क्या बोल सकते हैं आप हार्डवेयर है ना, आपका स्टोरेज का हार्डवेयर इज ऑफ हायर क्वालिटी विच विल फैसिलिटेट यू फॉर बेटर आईओ ऑपरेशंस. एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. राइट सर. समझ गया आपको अभी ये? समझ गया? यस सर. ठीक है, चलो सबको समझ गया मैं अर्जुन कर रहा हूं. ठीक है, हाँ तो लिखते हैं हम लोग इसको. लीडिंग टू बेटर आईओ ऑपरेशन राइट, यही बोला था मैंने अभी. यस सर. चलो, तो ये डेटा वेयरहाउसिंग एप्लीकेशन इज अ गुड एग्जांपल है. और ये आपके RDBMS जहाँ पे बहुत ज्यादा रीड राइट ऑपरेशन होते हैं,
आरडीबीएमएस भी तो एग्जांपल है इसका, क्योंकि यहाँ पे भी तो करंट, अगर करंट डेटा भी ये हो रहा है, राइट हो रहा है, तो राइट भी तो सॉर्ट ऑफ वही टाइप का ऑपरेशन ना, क्योंकि अगर ऑपरेशनल नीड में आप आरडीबीएमएस से कुछ चीजें रीड कर रहे हो और बहुत सारी चीजें राइट कर रहे हो, उसमें भी तो आईओ आ गया ना, तो आरडीबीएमएस भी एक एग्जांपल हो सकता है कि जिसको नॉट जस्ट हिस्टोरिक डेटा बट फॉर करंट डेटा ऑल्सो. आरडीबीएमएस एक करंट डेटा का एग्जाम्पल है, डेटा वेयरहाउस एक हिस्टोरिक डेटा का एग्जाम्पल है. दोनों के लिए स्टोरेज ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो आज 2 घंटे हो गए ना, यहाँ पे रुकना है क्या या आगे बढ़ना है? और नहीं, कितने घंटे वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितना जाना आगे। नहीं, ठीक है सर, वो मैं ले लूंगा इसके आगे भी, लेकिन ये लोग थके हुए नहीं होने चाहिए बस. मैं थका नहीं हूँ, ये ठीक है, चलेगा. हम वजह लोग से है। ठीक है, हम लोग ना सिक्योरिटी ग्रुप और इंस्टेंस डिपेंड प्रैक्टिस ऑप्शन करते हैं. डिपेंड करता है। चलो, आपको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वी कवर्ड द रिक्वायर्ड थिंग्स, देन वी आर यस, गुड टू सॉफर टुडे। हाँ मतलब सर हमने काफी चीजें कवर की है, अगर ये लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीजें जो है ना ये आज ये लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने अब तक जो चीजें की थी, और आज मैंने ना स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला है बहुत लोगों को, सबने यही बोला है. एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे दिखाया कि मैं हमने परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी 4 से 5 लोग थे जिन्होंने मुझे मतलब कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, क्लीन है उनका AWS अकाउंट. सर अगर ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको आगे का समझ में नहीं आएगा, इसीलिए. ये यस सर, मैं बता बता के थक गया हूँ। मुझे ते गाडवा समोर वाचली गीता, ते आपल्याकडे होते ना तसं झाले, ही गाडवा आहे एक नंबरची। आपण सिलेबस कंप्लीट करून बाहेर पडायचं, दॅट्स इट। केले हाँ सर, ते पण आहे, ते पण आहे. चांगली गोष्ट आहे, नाही केले आताच बोललो, हे गाडवा आहेत, कुठल्या तरी उकरड्यावर जाणार, कोण टाकले खरकट खाणार, आयुष्य तसंच काढणार ही लोक। आपण कशाला गहाण करायची यांना, बोलून अजून जर अकाउंटच क्रिएट केलं असेल, मग त्याला नकोच असेल की जॉब नको असेल, नाही, आपण कशाला काय बोलायचं। अकाउंट क्रिएट केलंय, आतमध्ये काही परफॉर्म नाही केलंय, परफॉर्मन्स नाही केलंय काहीच, कारण त्याच्यामुळे. आता काय झालं, आम्ही यांना इथं ऑफलाईन बोलून घेतलो, तिथं शिव्या घातले, आता सांगून सांगून आम्ही थकलो की बाबा तुम्ही करा। हाँ सर, त्याच्यामुळे आता नाही सांगायचं, आता केले हाँ केले सर, नाही केले, आपण पुढे चाललोय। जे चालेल सर, प्रॅक्टिस करतील, बॅच मधले 25 लोक जरी प्लेस झाले चांगली प्रॅक्टिस करून, तरी काय अडचण नाही, त्या लोकांना घेऊन जाऊ आपण पुढं। ते नाही चल झाले येऊ दे केबिन मध्ये माझ्याकडं। ठीक है, चल चल चल. हाँ, सो एनीथिंग एल्स पार्टिसिपेंट, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हाँ अभी पूछो, डाउट्स वगैरह जो है, आज का जो कवर किया है हमने समझ में आया, कुछ चीजें डेमोन्स्ट्रेट भी की हमने, इंस्टेंस क्रिएट करके कनेक्शंस भी किए, मतलब वी ट्राई टू कनेक्ट इट टू EC2 ऑल्सो इंस्टेंस विच यू हैव क्रिएटेड. थर्ड मैंने होमवर्क दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कंप्लीट इट बाय टुमारो, लेक्चर से पहले. आज जैसे स्क्रीन शेयर करने के लिए बोला है ना मैंने, मैं कल भी बोलने वाला हूँ. ठीक और है, इसमें दिन में आप एक काम करो, जैसे आप कॉल करते हो, दत्ता कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी दिस थिंग्स, अगर वो यस, आपको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करता है इमीजिएटली, वो स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता है, हाँ तो हाँ उसका एक अलग डेटा मेंटेन करो। अगर वो आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वो एक कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है, देन यू नीड टू मेंटेन अ डेटा, और इमीजिएटली सेशन होने के बाद वो डेटा ब्रॉडकास्ट करते चलो, ठीक है सर, सर जो बंदा है मुझे टैग करके, जिसको मैंने, ठीक है आपको मैं दो पॉइंट यहाँ पे देता हूँ कि इनको क्या किस कैटेगरी में रखना है, वो दो कैटेगरी अलग 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 बना के मैं आपको देता हूँ, उस ठीक है कैटेगरी में सर, उनका नाम आप डाल के ग्रुप पे ब्रॉडकास्ट कर दो। चलेगा सर. मैं वैसे ही करने वाला था वैसे, क्योंकि आज के जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, वैसे मैंने उनको बोला भी था कि आप ना एक्सप्लेनेशन दत्ता सर को दो, मैं उनको बता दूंगा आपके नाम वैसे. नहीं, ठीक है असंच सर, करायचं तीन महिन्यात, म्हणजे तू तुझ्याकडनं मोकळं होऊन जाऊ दे, उद्या असं होईल मी हाँ तुला विचारणार आहे काय झालं, त्याला तर हाँ समजत नाही, तू कसं शिकवला, तू त्याला विचारलंच नाही, असं होणार की ते। बरोबर हाँ, बरोबर सर, तेच तेच सर, म्हणून कोण करत आहे आणि कोण नाही करत आहे याचा ट्रॅक राहायला पाहिजे, कारण जो राइट नाही करताय त्यांनी जर नाही समजलं म्हटलं ना मग त्याच्यात सेन्स नाही आहे सर, जर स्वतः नाही करताय तर मग समजणार कसं. नकोच आहे तसं काही। हाँ ना सर, चालेल. आज बऱ्यापैकी कव्हर केलंय सर, तर आपण थांबू शकतो, मी बाकी गोष्टी उद्या घेतो यांना EC2 च्या. ठीक हाँ, आहे, चालेल चालेल, चालेल सर. ओके। पार्टिसिपेंट, एनीथिंग एल्स फ्रॉम युअर एंड, देन यू कैन अनम्यूट युअर सेल्फ एंड यू कैन आस्क युअर डाउट। हेलो चिन्मय,
Actually, I was getting error to establish a connection. I was not establishing the connection between the key pair and the instance which we created. I was getting an error in the CMD. What error you were getting? Can you share your screen? I'll stop share. Yeah, okay. I'll share my screen. इनमें ये क्यूएन होने के बाद आप मीटिंग एंड कर सकते हो आपके इनसे ठीक है सर ओके ओके हेलो इज इट विजिबल यस सो आई वाज गेटिंग दिस एरर परमिशन डिनाइड परमिशन डिनाइड पब्लिक की सेम लोकेशन पे आपकी की पेयर है हाँ इन द डाउनलोड्स ओनली सो आई डिड इट फ्रॉम हियर ओनली इटसेल्फ लाइक सीएमडी एंड देन एक कमांड है मतलब विजिबल करने की chmod करके है वो लिनक्स में है ठीक है अब एक बार चैट जीपीटी पे जाओ मुझे वो कमांड सर्च करनी है कि ये लोकेशन आपको विजिबल करना पड़ेगा परमिशन डिनाइड ये एरर कॉपी करो पहले तो हाँ मैंने ये चैट जीपीटी भी डाला था हाँ क्या बोला तो उसने इट इंडिकेट्स मीन्स इनकरेक्ट SSH की परमिशन ऑन प्राइवेट की या ऐसा कुछ दिखा रहा है प्राइवेट इंस्टेंट की परमिशन इनकरेक्ट है राइट ठीक है चलो एक बार चैट जीपीटी ओपन करो आप हम लोग आपको कैसे एरर सर्च करना है ये बताता हूँ मैं आपको आपके एग्जांपल से समझ में आ जाएगा सबको कि किस टाइप का एरर आया तो हम लोग क्या फिगर आउट कर सकते हैं चैट जीपीटी के हेल्प से ठीक है शेयर योर फुल स्क्रीन सो दैट आई विल बी एबल टू सी योर माय चैट चैट जीपीटी जीपीटी इज नॉट विजिबल नो 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 यू हैव शेयर्ड वन विंडो आई गेस यू हैवंट शेयर्ड योर फुल स्क्रीन ओके ओके अनशेयर करो फिर से शेयर करो नॉट एन इशू हाँ इज इट विजिबल नो यस ओके सो I did this earlier. I just copy pasted it the error, but I was given this करेक्ट है incorrect सर SSH key and ओके then this permission on private जस्ट key. अ सेकंड लेट मी रीड Okay, sorry. ओके नीचे जाओ थोड़ा नीचे जाओ हाँ ये chmod ही है विंडोज में भी chmod ही है हाँ ठीक है चलो हम लोग कर सकते हैं इसको परमिशन chmod 600 और आपका फाइल नेम डालो जाओ आप इसमें हाँ CMD में मेरा वॉइस इको हो रहा है नहीं, यस सर आना इको आ रहा है सर देन कैन आई वैसे अनम्यूट माय सेल्फ हाँ ठीक है करो वैसे सॉरी कुछ मेरे एंड से तो कुछ नहीं है नहीं नहीं अभी ठीक हो गया है हाँ चलो सीएमडी में जाओ हम लोग ये कमांड डालेंगे बेसिकली इशू क्या आ रहा है पता है क्या बाकी लोगों को समझा के देता हूँ मैं यहाँ पे ना परमिशन डिनाइड का इशू आ रहा है कि जो प्राइवेट की पेयर है ना आपकी वो लोकेशन से आपका EC2 इंस्टेंस को जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो ना इट इज नॉट एबल टू एक्सेस दैट फाइल्स तो हमें ना फाइल की एक जो सिक्योरिटी ये होती है कितनी विजिबिलिटी है वो चेंज करनी है तो जाओ chmod डालो chmod स्पेस 600 600 ये स्पेस योर की पेयर नेम पाथ डालो नहीं तो की पेयर का दैट वुड बी हेल्पफुल क्योंकि वो पाथ को हमें विजिबल करना है राइट हाँ पाथ ही डालो नहीं नहीं ये क्या डाला आपने एरर डाला है पाथ कॉपी करो कॉपी एज पाथ करो आपका दिखने का जिंदगी
मतलब सीएमडी यस मारो एंटर. chmod is not recognized internal external command operable program batch file. जाओ चैट जीपीटी पे, मुझे पता ही था ये chmod ना लिनक्स कमांड है तो इसका कुछ नहीं. वो ठीक है, हम लोग पूछते हैं उसको. चैट जीपीटी में जाओ, इसका कोई अल्टरनेटिव विंडोज का है क्या, देखते हैं. हाँ ठीक है. हाँ यूनिक बेस्ड ऑपरेटिंग लिख क्या है, देखो इसका विंडोज यू कैन यूज ICACLS. ठीक है ये डालो ICACLS. रुको रुको, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले. नीड टू चेंज प्रोफाइल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्राइवेट की ऑन अ विंडोज सिस्टम. यू कैन यूज ICACLS कमांड व्हिच इज विंडो इक्विवेलेंट फॉर मैनेजिंग फाइल परमिशंस. थोड़ा आगे जाओ ना, ये कमांड में क्या क्या दिया है देखो. यूजर अकाउंट ओके, इनहेरिटेंस रिमूव इनहेरिटेंस परमिशन एंड ग्रांट रीड परमिशन टू योर यूजर अकाउंट. ठीक है करो कॉपी, फिर करो हम लोग इसी को एंटर करते हैं. जाओ जाओ शेल पे जाओ, कमांड सीएमडी पे जाओ. हाँ एक बार देखने तो मुझे बस. आपका पाथ बराबर है राइट, पाथ. हाँ ठीक है यस इनहेरिटेंस सर, वाला यस बात बराबर है. ठीक है. चलो एंटर करो अभी, वो परमिशन प्राइवेट को पब्लिक कर रहे हैं या नहीं देखते. सक्सेसफुली प्रोसेस वन फाइल फेल प्रोसेसिंग ग्रुप है. ओके ठीक है चलो अभी करो, कनेक्ट करने का ट्राई करो. जस्ट प्रेस क्या बोलते हैं जो अप वाली की है ना, तो उसके हिस्ट्री वाले ये आ जाते हैं आपके, जो एरो की है ना अपर एरो की, तो हिस्ट्री में जो कमांड आपने फायर किया है ना इस पे जाओ. हाँ अरे कॉपी करने की जरूरत नहीं, सी एच मोड क्यों कर रहे हो, ओके ओके, सिर्फ यूनिक पाथ कमांड करना है है, भाई. सिर्फ पाथ अब करना पे है. आओ. हाँ सिर्फ आपके एरोज की पैड पे चार एरोज है, अपर यस एरो दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ. हो गया, इतने आ रहे हैं. नहीं आ रहा है क्या, तो नहीं आप ठीक है वो फिर कॉपी करो, वो वाला कमांड होगा ना आपके पास, ये निकाल लो सारा. आपको SSH का कमांड डालना है यहाँ, ओके, वो की का वो निकाल पूरा पाथ कॉपी करना है, मतलब SSH में क्या क्या है. SSH हाइफन आए हाइफन SSH. हाँ हाइफन आए, डायरेक्ट इंस्टेंस से कॉपी कर लो ना, इंस्टेंस पे डायरेक्ट मिल जाता है आपको. EC2 हाँ इंस्टेंस पे जाओ एक बार, विजिबल नहीं है ठीक एक सेकंड. है. आप कॉपी करो वो बात, यहाँ पे डालो ट्राई टू कनेक्ट ठीक है. और किसी को डाउट, जब तक अक्षय ये कर रहे हैं तो हम लोग और कोई डाउट ले सकते हैं. हाँ अरे अक्षय आप इंस्टेंस पे जाओ ना, इंस्टेंस पे जाओ ना, इंस्टेंस पे जाओ. हमने देखा था ट्राई कनेक्ट करते SSH क्लाइंट में, इंस्टेंस पे जाओ. यस उस पे जाओ, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करो, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करो. यस ठीक है कनेक्ट करो, यहाँ से कनेक्ट ऑप्शन है राइट हैंड साइड में. यस हाँ SSH क्लाइंट में एग्जाम्पल वाला है ना ये, कॉपी करो हाँ जाओ. हाँ वो कॉपी करके शेल में कॉपी करो. कर दिया आपने, आपका शेल नहीं दिख रहा है अब. एक सेकेंड. अभी है विजिबल. यस अभी एंटर करो, चलो क्या होता है देखते हैं. ऑटोमेशन डिनाइड. यार ओके आई ट्राई एंड इफ आई विल गेट सम इश्यूज देन आई विल कनेक्ट विद यू. ठीक है चलेगा. आप ना इश्यू क्या है समझ में आ गया क्या, नहीं वो क्या परमिशन कहाँ से डिनाई हुई हुआ. वो नहीं समझ में आ रहा. यस एग्जैक्टली. आपको करना क्या है पता है, जो CHMOD में हम लोग कर रहे थे ना, जो उसको बोलना है कि सारी रीड राइट परमिशन दे दो.
सारी पब्लिक कर दो उस फाइल को, वो करने नहीं देता है वैसे पब्लिक, ये प्राइवेट की है इसीलिए, लेकिन जितनी मैक्सिमम परमिशन पॉसिबल है ना वो दे दो, चैट जीपीटी को बोलो कि उसके लिए कमांड दे दो, क्योंकि हमें विंडोज की कमांड तो नहीं पता है, मुझे लिनक्स की कमांड्स पता है, जैसे सी एच मॉड है 600 मतलब वो आता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 1001, उसका एक पैटर्न है आर एक्स डब्ल्यू, मतलब रीड डिलीट राइट, तो उसमें कौन से एक्सेसेस दे रहे उसके हिसाब से वो बाइनरी क्रिएट करता है, 600 का बाइनरी क्रिएट करोगे ना तो उसके हिसाब से कौन सी परमिशन देनी है वो समझ में आ जाती है हमें, ठीक है, तो वो मुझे पता है, विंडोज का नहीं पता है, तो एक बार चैट जीपीटी से पूछ के ना, ये जो फॉर्मेट है ना इनहेरिटेंस आर ग्रैंड यूजर नेम में ना और कुछ एडिशन चाहिए होंगे आपको और कुछ परमिशन चाहिए होंगे, ठीक है, तो वही है, उसको सिर्फ परमिशन ओपन करो वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके अगर नहीं होता है तो मैं, ठीक है, यस यस ओके श्योर, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन है किसी को? अगर नहीं है तो हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं। नहीं है किसी को क्वेश्चन? आज का सब समझ में आ गया है क्या? आते हैं सर, प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है ठीक चलेगा, ठीक है, और कोई डाउट है किसी को अभी फाइनल? यस काल तुम्ही से IMH चा क्रिएट करायला सांगितलं होतं ना यूजर आणि ते, तर यस त्याच्या नंतरच हे करता येईल ना EC2 चा, बिकॉज इट इज अ स्टेप बाय स्टेप ना। नहीं नहीं असं काही नाही आहे, तर दोन वेगळ्या सर्व्हिसेस आहे, ओके, म्हणजे तसं काही नाही, EC2 चा आपण कधीही करू शकतो की त्याच्याशी लिंकड नाही आहे ते, राईट? हा करू शकतो, त्याचं काही संबंध नाही, नाही त्याचं काही संबंध नाही आहे, पण बघ बघा प्राची काय आहे, पण आधीच्या गोष्टी विसरून चालत नाही, नाही नाही सर, त्याच्यासाठी नाही, ते काल, हां काल तुम्ही जो व्हिडिओ दिला होता ना तो तो पाहिलाय, त्याच्यावरून कळालंय, फक्त आज तुम्ही म्हटलं की घेणार असाल म्हणून ते थोडंसं राहिलंय करायचं, सो ते प्रिव्हियसली करून घेते आणि मग हे करते, म्हणून ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम, मला फक्त उद्या आउटपुट पाहिजे, पुट्टीने कनेक्शन झालेलं पाहिजे, ठीक आहे, एक गोष्ट ती सांगितली मी आणि एक गोष्ट काहीतरी सांगितली तुम्हाला, एक मी VPC ऍज अ सर्व्हिसचा व्हिडिओ पाठवणार आहे, ते तुम्ही पुढच्या वीकमध्ये कधीही कवर करून घ्याल, ठीक आहे, उद्या मला उद्याच पाहिजे असं नाही, पण पुट्टीने कनेक्शन मला उद्या हवं आहे, ठीक आहे, एरर घेऊन येऊ नका, दिवसभर आहे, ट्राय टू रिझॉल्व्ह युअर एरर्स, असं म्हणू नका मी एकदा ट्राय केलं मला एरर आला मी थांबून गेलो, ते काही हे नाही आहे, ठीक आहे, कोणी एकदा ट्राय करून सगळ्या गोष्टी होत नसतात, दिवसभर, उद्या मला आउटपुट हवंय, ठीक आहे, ठीक आहे, सगळ्यांना कळालंय? यस सर, तो समझ में आया ना, मुझे कल पुट्टी का आउटपुट चाहिए, इंस्टेंस कनेक्ट, मतलब सॉरी, इंस्टेंस को पुट्टी से कनेक्ट करने का मुझे आउटपुट चाहिए कल, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा आपके इंस्टेंसेस है ना वो, हाँ चलो एक बात ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखो, इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद ना उसको रनिंग छोड़ना नहीं है, क्लीनअप प्रोसेस, ठीक है, उसको टर्मिनेट करना है, आपका यूज खत्म होने के बाद उसको टर्मिनेट करना है, भूलना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? रुको मैं शेयर करके ही बता दूं, क्योंकि ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं भी भूल गया होगा देखो मैं खुद ही भूल गया, आपको बता रहा था, वैसे देखो ये जो इंस्टेंस है हमारी यूटिलिटी खत्म हो गई है, हमारे फ्री टियर में इसके कुछ आर्स 750 आर्स है, अगर ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे आर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर जब यूसेज बढ़ जाता है तो बिल आता है, तो हमें ना इसको डीप्रोविजनिंग करने की बहुत जरूरत है, मतलब इसको क्लीनअप एक्टिविटी बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको जाके इंस्टेंस टेस्ट में जाके टर्मिनेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो टर्मिनेट किया करो, नहीं तो ये आपको चार्ज करेगा, समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर, यस सर, है ना, यस सर, तो मैं भूल गया था एक्चुअली ये बताना, क्योंकि हर सर्विस में जो भी परफॉर्म कर रहे हो उसको अगर कुछ प्रोविजन कर रहे हो तो उसको डीप्रोविजन करने का मतलब ध्यान में रखा करो, ठीक है, क्योंकि वो चार्जेबल है सारी सर्विसेस यहाँ पे,
जितने टाइम मोस्ट ऑफ द सर्विसेज टाइम टाइम से चार्जेबल है, ठीक है, कितना टाइम यूज कर रहे हो उसके उसके हिसाब से चार्जेबल है, तो इसीलिए इसको डीप्रोविजन करना याद रखा करो, और वही इसको ही क्लीनअप बोलते हैं हम लोग, क्लीनअप एक्टिविटी परफॉर्म करना याद रखा करो, ठीक है, होगा बहुत लोगों का होगा, लेकिन ये ना ध्यान से करना पड़ता है, बहुत लोग भूल भी जाएंगे, दो दो दिन तक इंस्टेंस भी शुरू रहेंगे, लेकिन यही है कि याद रखना पड़ेगा आप, ठीक है, एक दूसरे को याद दिलाया करो ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में, तो ऐसे ही रैंडमली किसी को लगता है कि इस ये भूल गया होगा, तो याद याद दिलाया करो कि यार तूने इंस्टेंस चालू किया था, भूला तो नहीं टर्मिनेट करने का, तो इससे ना एटलीस्ट कॉस्ट बचेगा आपका, और कुछ नहीं। और कुछ हमने ये किया था क्या, प्रोविजन किया था क्या जो हमें क्लीन अप करना है? नथिंग राइट, बोलो। मीन्स सर, वो पॉलिसीज वगैरह उसके लिए कुछ नहीं बिलिंग नहीं नहीं है, बस वो नहीं हाँ इंस्टेंसेस के लिए बिलिंग है जो प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए। ओके यस okay. यस ठीक है, हेलो, हमने टर्मिनेट कर दिया है अभी, तो ये याद से कर लिया करो, ठीक है। हेलो यस सर, स्टॉप करेंगे तो भी चलेगा या टर्मिनेट करना पड़ेगा? स्टॉप करने के बाद भी चार्जेस होता है उसका, प्रोविजन रहता है वो, लेकिन कम चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो इट्स बेटर कि टर्मिनेट कर दो ना, क्या है इंस्टेंस क्रिएट करने में टाइम ही कितना लगता है, फिर स्टॉप भी करोगे अगर कुछ ऑक्यूपाइड रिसोर्सेस है ऑन डिमांड तो वो चार्ज करता है, ठीक है, इट्स ओके बेटर टू टर्मिनेट, समझ में आया सबको? पूरा क्लास अगर कुछ याद भी नहीं होगा ना, ये लास्ट चीज याद रख लो बस, ठीक है, पूरे क्लास में अगर ध्यान भी नहीं दिया होगा ना तो भी आखिरी की चीज याद रख लो, क्योंकि पैसे आपके जाने वाले, अगर आप भूल जाते हो ज्यादा तो, मतलब ऐसे डर डर के भी मत करो कि यार मेरे पैसे तो नहीं जाएंगे, पैसे तो नहीं जाएंगे, और एक बात याद रख रहे हो क्या सब लोग, ये रीजन नॉर्थ वर्जीनिया चूज कर रहे हो क्या? मैंने जितने लोगों का स्क्रीन शेयर देखा ना आज, नो सबके इसमें स्टॉकहोम था, ठीक सर, ईस्ट वी हैव केप्ट। है, याद रखो याद रखो, ये चीजें है ना आपके प्रॉस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, जब आपके फ्री क्रेडिट्स भी आएंगे ना, किसी को कोई मेल आया है क्रेडिट्स का वगैरह? नॉट इट सर। ठीक है, सर डिनाइड हो गया, मतलब रिजेक्ट हो यस सर, गया डिनाइड हो गया। डिनाइड हो गया, अभी तक नहीं आया सर, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया डिनाइड करके वगैरह, मेल आता है मेल, नहीं आया। ओके ठीक है ठीक है, हेलो सर, यस रीजन चेंज किया तो वो इंस्टेंसेस फिर से क्रिएट करना पड़ेगा क्या न्यू? नहीं, आप पहले रीजन, आप EC2 एक ना एक रीजनल सर्विस है, ठीक है, ओके ग्लोबल सर्विस नहीं, IAM में ना आप रीजन कोई भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन EC2 एक रीजनल सर्विस है, रीजन स्पेसिफिक सर्विस है, तो आप पहले रीजन सिलेक्ट करो, बाद में इंस्टेंस क्रिएट करो, समझिए? ओके एक बार सिलेक्ट करने के बाद वो डिफॉल्ट रहता है क्या, कि हर बार उसको चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा पहले नहीं स्टॉकहोम था, अभी फिर से नहीं मतलब आप यार, ये नहीं पता यार वो डिफॉल्ट रहता है या नहीं, जनरली अभी मैंने नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट किया है तो वो नॉर्थ वर्जीनिया ही रहता है, अनटिल अनलेस यू चेंज इट, इट डजंट चेंज, ठीक है, ओके हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो ना, एक बार देख लिया करो बस, ठीक है, हेलो सर, यस इथे आपण आता EC2 साठी टर्मिनेशन वगैरे केलं ना, मग इकडे IMA मध्ये रोल्स वगैरे दिल्यात नंतर तिथे काही गरज आहे का, म्हणजे मी इथे असं टर्मिनेशन वगैरे केलं? यार आताच सांगितलं की IAM इज नॉट चार्जेबल, ओके, मीन्स रोल साठी वगैरे नो नाही दैट सर। राइट, ओके यस ऑफ कोर्स, आपको जो चार्जेबल चीजें वहां पे क्लीन अप करो, उधर भी अगर जरूरत नहीं है तो क्लीन अप करो, उसमें क्या है, मतलब ये पूछने वाली बात भी नहीं है, राइट, आपको नहीं जरूरत वो चीजें ना क्लीन अप किया करो, क्या मतलब रख के क्या करोगे उसको, अगर वो चार्जेबल नहीं भी है तो भी क्लीन अप किया करो ना, क्या फर्क पड़ता है उस, ठीक है, अगर उसका यूज है आगे और वो चार्जेबल नहीं है तो रखो, ठीक है, चलो हम लोग सेशन एंड करते हैं, अभी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत रिड्यूस हो रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि आपके डाउट सारे रिजॉल्व हो गए, ठीक है,
चलो करते हैं एंड हेलो, फिर। यस सॉरी चिन्मय, यस आई गॉट अ मेल फ्रॉम AWS दैट योर रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग AWS रिसोर्सेस हैज बीन वैलिडेटेड. सो सॉरी इज इट सॉरी, अबाउट दैट? आई गॉट अ मेल फ्रॉम AWS दैट इज योर रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग AWS रिसोर्सेस हैज बीन वैलिडेटेड. एक्सिस्टिंग AWS रिसोर्सेज, ये आपका कोई क्रेडिट की रिप्लाई में मेल है क्या ये? हेलो आई डोंट नो. सर. हेलो यस सर, कैन आई शेयर द स्क्रीन बिकॉज सेम मेल हैज बीन. हाँ करो, मुझे भी नहीं पता होगा यार इसके बारे में। दिखाओ दिखाओ, चलो दिखाओ। अरे बहुत सारे मेल आते हैं यार, हम कैसे बताओ? एक सेकंड में स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ करो। हेलो, कैन यू सी मी? हेलो